पोपट जे रंगन जिया खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध जै में हुंदा अवां जा मन घुरिया मेहमान इन प्रोग्राम में हुंदा कुछ खास मेहमान जिन सा तहां लाइव कॉल से जरिए गलाए सको ता आए उन सा गडो कर हुंदियूं आजकल जे फैशन जो गालियूं हेल्थ टिप्स आए मौसीकी जी महफिल सुबह साजिर सिंध टीवी जे बेहतरीन आए सरमोड़ प्रोग्राम सलाम सिंध सा गड मां तवां जी मेज़बान सहर शहरिजवी सलाम सिंध में मां हुंदस तहां सा गड मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 वगे का 11 वगे तक तो पोए निसरण न विसारींदा सलाम सिंध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी मानन के प्यारन मानन के डे में परडे में जिते जिते सलाम सिंध ठो पे वने जिते जिते ताने पेंजे प्रोग्राम ताने पेंजे चैनल सिंध टीवी डिठो पे वने ता सभी प्यारन मानन के ताने प्रोग्राम में वेलकम चंदासी आऊं सहर शरीफ भी ताने मेजबान आज असा बियर गडयूं है हमेशा ये दुआ हुंदी कि ये साथ ये राब्तो हमेशा ईअं ई क़ाइम दायम हुजे तव्हांजो मोहबतूं तव्हांजो जेके दुआऊं आहिनि असां ईअं ई माणींदा रहूं ऐं इनशाला अॼु बि इलाही सारियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं जिन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं घरो घर तव्हांखे इहो ॿुधायूं की अॼु तारीख़ जेका आहे उहा अॼु 6 मार्च आहे 6th मार्च आहे ऐं इन खां अलावा 17 जमादुल सानी आहे ऐं डेट्स जे हवाले सां इहो आहे की असां जॾहिं अपडेटेड रहंदा आहियूं त हाणे वूमन्स डे अचण वारो आहे 8th तारीख़ ते इंटरनेशनल वूमन्स डे आहे उनजे हवाले सां तयारियूं जेके आहिनि प्रोग्राम्स जेके आहिनि उहे हली रहिया आहिनि जनरली माण्हू जेके आहिनि उहे वूमन एम्पावरमेंट खे एम्पावरमेंट ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि उनखे वूमन खे एम्पावर करण ते उन्हनि खे इकोनॉमिकल साइट ते या उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ ॿियूं इलाही सारियूं साइट्स आहिनि जिन्हनि ते एम्पावर करण जी असां ॻाल्हि कयूं था बेसिक राइट्स आहिनि ज़रूरत छो पेश आई इनशाला इन ते वजह सां ॻाल्हाईंदासीं वुमन एम्पावरमेंट ते इनशाला बेसिकली अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं ॿियूं शयूं हूंदियूं जिन ते कोशिशि कंदासीं की ॻाल्हायूं ऐं तव्हांजा व्यूज़ बि असांखे मिलनि ऐं तव्हांजी कॉल्स जेके आहिनि उन्हनि जे ज़रिए तव्हांजा जेके व्यूज़ आहिनि उहे बि असांखे इनशाला मिलंदा तव्हांजी जेका राय आहे उहा बि तमामु घणी ज़रूरी आहे असांजे लाइ मालूम करणु या ख़बर हुजणु की तव्हां छा था सोचो प्रोग्राम जे हवाले सां ऐं ज़रूरी हूंदो आहे की असांजे इक्वल राइट्स जी मां ॻाल्हि नथी कयां इक्वल राइट्स त इलाही डिफरेंट शइ थी वेंदी पर को मुक़ाबिलो न आहे औरत या मर्द में असांजी सोसाइटी जा ॿई हिसा आहिनि औरत बि हिकिड़ो हिसो आहे असांजी सोसाइटी जो मर्द बि हिकिड़ो 50-50% असां चऊं की ॿई सोसाइटी जा पिलर्स आहिनि ऐं उहे अगरि गॾिजी असांजी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कनि मिसाल आहे अगरि असां इकोनॉमिकल साइड ते असां ॻाल्हायूं था बिज़नेस ते असां ॻाल्हायूं था त असांजूं केतिरियूं छोकिरियूं आहिनि केतिरियूं नियाणियूं आहिनि केतिरियूं असांजूं माइरूं आहिनि जेके घरनि में रहनि थियूं उते हाउस वाइफ असां कंहिंखां कॾहिं पुछंदा आहियूं त निमाणियूं थी चवंदियूं आहिनि तव्हां छा था कयो मां हाउस वाइफ आहियां त हाउस वाइफ बि हिकिड़ी वॾी जॉब आहे हिकिड़ी फुल टाइम जॉब आहे उनखे मतिलबु हाउस वाइफ जेका आहे उनखे असांजी माइरूं असां ॾिसूं त उन्हनि खे ईद जे ॾींहुं बि मोकल लाइ हूंदी कमु कंदियूं पियूं आहिनि पंहिंजे घरनि में हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे हुननि जी हिकिड़ी ज़िमेदारी बि आहे हिकिड़ो फील बि कंदियूं हुन ज़िमेदारी खे पर सिर्फ़ु हुननि जी ज़िमेदारी न आहे ज़िमेदारी असांजी बि आहे ऐं ज़िमेदारी उहा असांखे बि निभाइणी आहे त इनशाला इन्हनि शइ ते बि असां अॼु ॻाल्हाईंदासीं ऐं 50% मां ज़िक्र इन लाइ कयुमि की असां इक्वल राइट्स जी ॻाल्हि नथा कयूं असां इहो नथा चऊं के जेके असांजूं नियाणियूं आहिनि असांजूं जेके छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे को बराबरी आहे या उन्हनि खे तव्हां लाज़मी मर्दनि सां जेको आहे शाने में शानो मिलाए या कुल्हे में कुल्हो मिलाए अॻियां हलणो आहे दुनिया में सर्व करिणो आहे अगरि सर्व कंदियूं अगरि पंहिंजो दिमाग़ जेको आहे उनखे यूटिलाइज़ कंदियूं इकोनॉमिकली असांजी कंट्री इलाही स्ट्रॉन्ग थी वेंदी अगरि असां पंहिंजे नियाणियुनि जो तालीम ते थोरो ध्यानु ॾियूं ऐं उन्हनि जी जेको इकोनॉमिकल राइट्स आहिनि उन्हनि ते थोरो ध्यानु ॾियूं या सेफ्टी इशूज़ जेके आहिनि उन्हनि ते थोरो ध्यानु ॾियूं इलाही सारी शयूं आहिनि जंहिंसां असां तरबियत बेसिकली पंहिंजी नियाणियुनि जी करे सघूं था ऐं तरबियत में ज़रूरी आहे की उन्हनि खे एम्पावर तरबियत मां घरां मां असां इहे शइ सेखारियूं की तव्हांखे कहिड़ी शयूं आहिनि जिन सां डील कहिड़े तरीक़े सां करिणो आहे ताकी उन्हनि खे पंहिंजा जेके राइट्स आहिनि नंढा नंढा जेके राइट्स आहिनि उहे ख़बर हुजनि किथे डिॼनि न किथे उन्हनि खे डपु न हुजे या ॿी बि हिकिड़ी शइ हूंदी आहे असां कॾहिं बि मां इहा ॻाल्हायां कॾहिं की मुक़ाबले जी जेका ॻाल्हि आहे असां जॾहिं बि इहो ज़िक्र ईंदो आहे की हिते वुमन एम्पावरमेंट जी ॻाल्हि थी थिए त बाग़ियाना जेकी सोच आहे उहा आहे अहिड़ो बिल्कुलु बि न आहे बाग़ियाना का सोच न आहे पर इहो आहे की मुक़ाबिलो को बि न आहे मर्द ऐं औरत में पर इहो आहे की औरत जे जेका तालीम जा स्ट्रगल आहे असांजी सोसाइटी में हिकिड़ी शइ आहे असां सभिनि खे ख़बर आहे
की असानी जो छोकरियों असानी जो न्याणियों हैं वो तालीम के लिए वो इफर्ट कन्दू हैं वो उन्होंने स्ट्रगल एकड़ो करणो पवो है दुनिया से विड़ो पवो अगर उनके जॉब भी करनी है तो इलाही सारी शूं कुछ अड़ा पेरेंट्स हूँ जी पे बार सपोर्ट कह जो माइंड सेट आर्टिस्टिक माइंड सेट हों या सुठो माइंड सेट हों पढ़े लिखल जी चाहता है कि असाने पुटन से गुड असानी धीं हैं उ पढ़न लिखन ए सोसाइटी में सर्व कन सुठी मिसालू सामू अचन थी जी पेरेंट्स पे न्याणियों से यकीन कन था तो बेनज़ीर भुट्टो जड़ी मिसालू असन असू मल्ल केतरियों मिसाल जिन बारे में ऐसूँ या हिस्ट्री अस पाकिस्तान की हिस्ट्री असा खी ऐसूँ तो उनमें केतरा अड़ा करेक्टर अड़ा किरदार जिन्हें साबित किया है जिन्हें मतलब औरतों साबित किया है कि औरतू जी औरत है वह कंखा घट ना है पर उनके जैसे अस राइट्स दींदी अस उनो ट्रस्ट दींदी अस उनके वह तालीम दींदी तद ही थोड़ा अगर वही सदी तो इंशाल्लाह इनते गुफ्तगु कदी गाली सही गेस्ट जो उन्होंने मिलाईंदी अगर अगर ये बुधा तो अगर ई ढो प्यारो ढो खूबसूरत मौसम थी है कराची जो मौसम ढो प्यारो थी है कराची जो मौसम घट असो जबरदस्त नजर इंद छो तो असा गर्मी जो उनको रेशो इलाही घणो है गर्मी घनी होजन के करे बिया आलूदगी जी एनवायरमेंट में सारी फैलल हूँ उन रीजन्स पे रीजन्स से असा लास्ट जो पूरा असा वीक कर वो असने रीजन्स से ही कि कड़ी रीजन्स की वजह से आलूदा एनवायरमेंट अस है उनके अस पान सही करो है इनते भी असा या प्रोग्राम्स भी क्या अवेयरनेस के हवा से भी तो कराची की एनवायरमेंट अजकल ढी सुी है ढो सुो मौसम है उम्मीद क्या थी कि जिते जिते भी सिंध टीवी दिखो पे वे जो मूँ दिसन पे असके भी शहर जो गोठ जी जगहों अस उत उन सभी जगहों से उन सभी शहर गोठन में सुठो मौसम हों सुठो मौसम है तो उनके तुम इंजॉय कर बजाते खुद पान भी इंजॉय किया बार बच्चा उन्होंने गुड इंजॉय किया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुझे एक हदीस पाक भी याद अचे थी पान फरमायों के सभी का अफजल वह शे है कि तेज जो फैमिली मेंबर्स घरवारा उनके तुम टाइम दियो यो रोजे का अफजल है कि तुम फैमिली से गुडे घरवार अहलो अयाल से गुड अगर खिलो रान कर खुश एकड़ी जिंदगी गुजारो या उनके तुम टाइम दियो तो जरूरी है कि असा जो नंढा नंढा इवेंट्स अचन था नंढी नंढी शूं या जिंदगी में असाजे प्रॉपर एक जिंदगी असि हल पी तो उनमें जरूरी है कि अस फैमिली मेंबर्स उनके अस टाइम दियो प्रोफेशन पी जगह से पी फील्ड पी जगह से कम पी जगह से पर फैमिली पी जगह से तो फैमिली मेंबर्स के टाइम दियो ये सुठो मौसम है तो उन्होंने गजी तुम इंजॉय कर किथे बाहर वन जो बहानो किथे उनके घर में का दावत वगैरह कर तो सब गजी एक सुठी एनवायरमेंट के लिए जरूरी है कि हेल्दी एनवायरमेंट के लिए कि अस गजी फैमिली वा सब गजी रहूँ एक बे से सूर जो खुशियों पैं जो फीलिंग्स अस विरूँ वंडियो यही शे तक डिफाइन करे थी स्ट्रॉन्ग तक करे थी इंशाल्लाह गुफ्तगु कंदी इतने ब्रेक जो टाइम थोड़ा ब्रेक का बाद जी गेस्ट हैं उन सब तक मिलाईंदी कचहरी कंदी इंशाल्लाह सभी के चवस कि तुम घणे का घणी कॉल्स किया जे विजन है तुम जो राय है वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगु ब्रेक का बाद कंदी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक स्टे ट्यून्ड वी विल बी राइट बैक भलीकार चंदी ए वेलकम बैक एक दफा बीहर तभी प्यार मानून के तक बुधा तो अज के प्रोग्राम के अब स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वन तावन किया है घर घर ये बुधाइंदा हलूँ तो 1949 का पाकिस्तान सब का वो ड्राई क्लीनर स्नो वाइट ड्राई क्लीनर हाँ इन 68 साल के एक्सपीरियंस का बाद 68 साल के एक्सपीरियंस का मुतारफ़ कराया है स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जो तके भी कपड़े जो दाग लगल उन दागन जो दुश्मन है जो भी शरारती दाग कपड़े हूँ भी बार जो स्पेशली असान घर में हूँ कपड़े एतरा दाग लगे छाइन एतरा खराब कर छींदा तो स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर से दाग जो आसानी से साफ़ कर सूता खुशबू भी तपड़े में जो अची वी रेशो रेशो जो कपड़े जो वो महकजी वो जो गेस्ट हैं वह भी असा गुड मौजूद हैं उन्होंने तारफ़ की तरफ हलूँ था उन्होंने सिवा जो प्रोग्राम असो वो इनकम्प्लीट है तमाम जबरदस्त पर्सनैलिटी है तभी के खबर है जैसे असने शो में इंदा तो जबरदस्त अंदाज में हमेशा गाला पा मोटिवेशनल स्पीकर बहन न्यूज़ एंकर बहन इन पर्सनैलिटी का इलाही सारा बया परस्पेक्टिव मॉडल बहन अस बिलाल खान मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इतना लंबा चौड़ा तारुफ क्यों कराती हैं हमेशा आता हूँ अब तो लोग पहचान भी गए होंगे कि आपके शो में आते रहते हैं नहीं कभी कभी ऐसा होता है
ना कि कुछ नए व्यूवर्स होते हैं तो फिर जरूरी होता है कि थोड़ा थोड़ा बता दें उनको कि कौन बैठा हुआ। सही, अच्छी बात है कि आप बड़ा ब्रीफ तारुफ करवाती हैं तो सारे पहलू को जो ना कवर कर लेती हैं। हाँ, लेकिन मैं ब्रीफ तारुफ भी एक सेकंड में करवा देती हूँ ना, वो जल्दी खासियत है ये होस्ट की क्वालिटी होती है, मैं वो बोर नहीं करती ना, वो हमेशा कम टाइम के अंदर सारी चीजें जो है वो बयान कर दे। चलो बिलाल, बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिन पे बात करना आज मैं चाह रही हूँ, और एक एक दो दूसरी पर्सनालिटी भी हमारे साथ है, हिकड़ी बी पर्सनालिटी वर्सा सगर है, उन्होंने तारों की तरफ भलूँ था पाण सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन के अलावा जर्नलिस्ट हैं, ख़वातीन जैसे असाजी न्याणियों मुख्तलिफ़ फील्ड्स में हूँ, ढो असें सुठो फील थोड़ा, मुख्य स्पेशली ढो सुठो फील थोड़ा जैसे भी का सुठी छोकरी मुख्तलिफ़ फील्ड्स में ऐसी उन्होंने वतन के लिए सर्व कदे ऐसी तो छो तो स्ट्रगल का बाद उन्हें मकाम तक पहुंचने न्याणी जी असने मुल्क जो स्पेशली हैं, तो असा अगर हुस्ना अली मौजूद है ना, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और वाकई मैं ये कहूंगी कि आप क्या फ्लॉलेस तारुफ देती हैं। नहीं, थैंक यू सो मच कि आप भी अपना टाइम निकाल के हमारे पास आ जाई। आज मैं चाह रही हूँ कि हम कुछ लड़कियों के हवाले से, हमारी जो खवातीन हैं उनके हवाले से बात करें। हमारा एक 50% हमारा जो हिस्सा है पाकिस्तान का, उसमें लड़कियां हैं, खवातीन हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, एक मकाम तक पहुंचने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल, एजुकेशन रेशो तो हमें पता है कैसा है लड़कियों का स्पेशली, लड़कों का तो वैसे भी मतलब है इंटीरियर साइड पर तो एजुकेशन कैसी हमें पता है, लेकिन लड़कियों की एजुकेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी में। क्या कहेंगे बिलाल इस हवाले से आप? लड़कियों के एजुकेशन के हवाले से देखें तो अगर आप इंटीरियर की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पर रेशियो कम है, लेकिन अगर ऑल ओवर बात की जाए तो अब ये जो एक सोच थी, जो एक थिंकिंग थी, वो चीज़ ख़त्म हो रही है कि लड़कियाँ जो है वो सिर्फ एक घर की जीनत होती है और घर का जेवर होती है, घर में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, अब अगर आप देखें तो आप हर शोबे में देखेंगे लड़कियाँ लड़कों से आगे ही निकल रही हैं। अगर देखें तो माशाल्लाह होस्ट भी हमारे सामने फीमेल बैठी हुई है, इससे ज़्यादा और मैं क्या बात करूँ। तो ये है कि चेंज आ रहा है, स्लोली ग्रेजुअली आ रहा है, लेकिन अभी इसको और पॉलिश करने की ज़रूरत है, इसको और जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसी तरह के प्रोग्राम्स होंगे और काउंसलिंग होती रहेगी कि वाकई औरतों का भी किरदार है उतना ही अहम माशरे के अंदर जितना मर्दों का है, ये एक साइकिल की तरह है, साइकिल के दो पहिए होते हैं ना, एक आगे होता है एक पीछे होता है, लेकिन दोनों का किरदार उतना ही अहम होता है जितना आगे वाले पहिए का होता है उतना पीछे वाले पहिए का होता है। एक नहीं होगा और तो दूसरा अगर नहीं चल एक टायर पंचर हो जाए ना तो साइकिल रुक जाती है। सही बात, सही है ना? तो अगर आपके साथ दोनों टायर सही चल रहे होंगे तो आपकी साइकिल चलती रहेगी, एक भी पंचर हो गया या एक को भी आपने निकाल दिया फिर वो साइकिल नहीं चल सकती है। ये साइकिल एक मुआशरा है, दोनों लोग अगर इसके अंदर किरदार अदा करेंगे बराबरी से तो ही ये माशरा आगे जाएगा। हाँ, मैं कभी मुकाबले की बात नहीं करती, मतलब मर्द की अलग जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो है वो कंपटीशन के ऊपर रख दिया है कि ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो आ जाता है वो फिर कंपटीशन आ जाता है कि यार और लड़कियां आगे निकल रही है, लड़के आगे निकल रहे हैं, लड़के पीछे रह रहे हैं, लड़कियां पीछे, हम कॉम्पिटिशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? एक हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए जिसके अंदर हर बंदा तरक्की करे, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, नेगेटिव कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं जैसे स्कूल में होता था तो मेरी हमेशा ये सोच होती थी कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं ये नहीं कहता था मैं इसको हरा दूं। हाँ। मैं हमेशा कहता था, मैं अपनी इसलिए के लिए कहता था, अगला बंदा ये सोचे कि यार मुझे फर्स्ट आना है, ये ना सोचे मुझे तो इसी को हराना है। ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, आई मीन ये लड़के और लड़की की बात नहीं करी, वैसे भी जनरली बच्चों में भी कॉम्पिटिशन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन आप जब तक बचपन से एक थिंकिंग डाली जाती है ना, एक सोच डाली जाती है, वो पप्पो के बेटे का जो है ना वो रिजल्ट आ गया और उसके जो है वो 90s में नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे अगर आए ना तो मैं लगाऊंगी मैं पिटाई, अम्मा बोलती हैं, अब्बा बोलते हैं कि तुम्हारी पिटाई हो रही है अगर कम नंबर आए। आप ये बोलें कि आपकी जितनी एबिलिटीज़ हैं, जितनी आपके साथ फैसिलिटीज मौजूद हैं, उस हिसाब से आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आप कंपटीशन में क्यों जा रहे हैं? अच्छा, कैपेसिटी भी है ना बच्चे की सीखने की, अपनी सलाहियत भी होती है ना, आप इस वाले क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही है बिलाल ने, आइडियली तो ऐसे होना चाहिए। कंपटीशन का सवाल वहां आता है जहां दो लोग इक्वल हो। औरत और मर्द आपके समाज में अभी भी इक्वल नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बिलाल जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आइडियलिस्टिक बात है, लेकिन अगर हम समाज को ओवरऑल देखें, क्या आप कहती कह सकती हैं कि औरत और मर्द बराबर हैं? बराबरी आएगी तो कंपटीशन आएगा, तो हम हेल्दी कंपटीशन की बात करें। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि औरत को बराबरी, बराबरी भी बहुत दूर की बात है। इस वक्त औरत और मर्द जहाँ खड़े वहाँ इतना बड़ा गैप है। हम वेस्ट में देखते हैं औरतों ने अपनी मूवमेंट्स के ज़रिए जो है बहुत सारे अपने लिए कानून साजियां करवाई हैं, सिविल लिबर्टीज़ ली हैं, अपने लिए बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ बनवाई हैं जिसकी वजह से वो सेफ हैं, जिसकी वजह से उनको राइट्स ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में अभी भी हम बुनियादी जगह पे खड़े हैं जहां पर एक औरत ये सवाल उठा रही है कि मैं घर से निकलूँ तो मैं कितनी सेफ़ हूँ। जब वो उसकी सेफ्टी होगी, वो एक प्रॉपर उसको माहौल मिलेगा,
वो उसी तरह से घर में ट्रीट की जाएगी जिस तरह से बिलाल कह रहे हैं कि भाई एक तब जाके एक कंपटीशन की हम बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हम और आप बैठ के यहाँ बात कर रहे होते हैं, ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। हम बड़े प्रिविलेज्ड लोग हैं जो हम और आप बैठ के ये बात कर रहे हैं। आपके पाकिस्तानी समाज में आज भी औरत को मर्द के बाद खाना दिया जाता है, आज भी लड़की की तालीम जो है वो आपकी जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है, आज भी जो है औरत के तमाम फैसले उसके घर का बाप, उसका भाई या तो फिर उसका शौहर करता है। तो फिर हम बराबरी की बात कैसे कर सकते हैं? वोट की भी बात करें ना, तो लास्ट में मेरे पास एक लड़की आई, मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा आपने वोट कास्ट करवाया ये वो, तो वो मुझे बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जो कहेंगे तो उनको वोट दूंगी। हाँ। उनको ये भी राइट नहीं है, यहाँ पे सोच की आजादी ही नहीं है। यहाँ पे तालीम की भी एक छोटी सी शॉर्टेज है, कमी है। अगर आप पढ़े लिखे घरानों में देखें ना, उन घरानों के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़कियां डिसीजन नहीं ले सकती, उनके वालिद ये उनके भाई डिसीजन लेंगे। लड़की को बनाया जाता है इस काबिल के वो डिसीजन मेकर हो, वो सोचने की सलाहियत रखे, उसको अगर कुछ पढ़ना है तो उसको फ्री स्पेस दिया जाता है कि जाओ, यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू स्टडी। लेकिन आप दूसरे घरानों में देखें जहाँ पे तालीम की कमी है, जहाँ पर जो है वो एक पुरानी जो है वो एक कहते हैं ना कि चौधराहट, जो वडेराना और चौधराना सोच जो होती है, उसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो वो यही चीज है जो कही है इन्होंने। बिल्कुल सही बात कही है। तो वहाँ पे एक तालीम का फैक्टर कहीं ना कहीं आता है। देखिए गुरबत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ ये वडेरा वडेरों में ही नहीं है। नहीं, मैंने एक वो वर्ड इसलिए यूज किया कि मैं किसी खास तबके को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक वो कहता ना कि शहंशाहियत जो होती है, जो मर्दाना शहंशाहियत असल में जो वहाँ उन घरानों में पाई जाती है, उसके अंदर आपको ये चीज ज्यादा देखने मिलती है। लेकिन अगर आप इस एरिया में देखें, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस तरह की फैमिलीज रहती हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई का रुझान ज्यादा है, तो आप देखें बच्चियां भी उसी तरह स्कूल जाती हैं, उसी तरह कॉलेजेस जाती हैं, उसी तरह यूनिवर्सिटीज जाती हैं, इवन उसी तरह न्यूज चैनल्स में काम कर रही होती हैं, हर जगह हर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लड़कियां काम कर रही होती हैं। बल्कि अब तो स्पेस भी दिया जाता है कि अगर कोई लड़कियों के साथ कोई मसला हो रहा है तो मैनेजमेंट बैठती है उसको मॉनिटर करने के लिए, फौरन वो कंप्लेन कर सकती है। नहीं, और इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की है, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर हम आपस में तो झगड़ते रहेंगे। बिल्कुल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, से मेरी नूर अली जान शाहपुर का कर रहा अदा की है। तो हां, ठीक ठाक है? हो फर्स्ट क्लास अदी तमाम फर्स्ट क्लास बेसिंग गई लाइक सेटिंग फर्स्ट क्लास आई आज का हफ्ता वाले पे औरतन जो हुकूमत के बारे में मां तमाम है सवाल भी तुमसे तमाम के गुजारे भी तुमसे तो बाहर जो औरत सा आज का एडो तो जुल्म आ असा है ना हेड जमा फाल तिलायो तो रात जो टी बजे वेचारियों मायू उठी अटो पीण के लिए पुराने जमाने की चिक्की हलाइंदियों जो सुबुह के नाश्ते के लिए अटो तैयार थे तो अजकल मतलब यह शहर के औरतन का बाहर की औरत के ढी बेचारे की तकलीफ आइट्रो के स्कूल को छीन बार घुम फिर को छीन कपड़ा तो उनके वी दियन उनके माना जो भी माना जिंदगी जो माना जी खुशियों के को नसीब दिसन ॾाढो औरत खे मतिलबु औरत खे बि इज़त करणु खपे जे ज़माने खां बि औरत जी इज़त हुई ऐं मुंहिंजा भाइटिया बि ॾिसी रहिया आहिनि हुसैन बख्श चांग अली बख्श चांग हैदर चांग शबीर चांग अमीर चांग जान मोहन चांग उहो बि तव्हांजे सवाल तव्हांजे तव्हां सभिनि जा थोराइता आहियूं असां तव्हां केतिरी मोहबत ॾियो था। तव्हां बिल्कुलु सही चयो, थोराइता आहियूं तव्हां असांखे कॉल कई, असांजे प्रोग्राम में तव्हां शामिलु थिया। बिल्कुलु तव्हांजो जेको क्वेश्चन है उहो सही आहे, बिल्कुलु तव्हांजी जेका राय आहे उहा बि सही आहे। वाकई में इहा ॻाल्हि हुसना बि चई की असां वटि वाकई में इंटीरियर साइड ते असांखे इहो रेशू इलाही घणो नज़र अचे थो। असांजी जेकियूं नियाणियूं आहिनि, असांजी जेकी छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि जी तालीम हिकिड़ो क्वेश्चन मार्क आहे हिकिड़ो वॾो असांजी सोसाइटी में, की असांजी छोकिरियूं जेके आहिनि अॼु बि उन्हनि खे एतिरा प्रॉब्लम्स जेके आहिनि, एतिरा मसाइल अॼु 21 सदी में असां वेठा आहियूं, एॾी एडवांस टाइम पीरियड में वेही असां को बि असां वटि उहे बेसिक राइट्स न आहिनि। असां वटि उहे बेसिक राइट जीअं त हुसना आपने बात की कि खाना जो है लड़कियां लड़कों के बात खाती हैं, भाई बाप के बात खाती हैं, तो अन्या ताई इन टाइम पीरियड में असा हलूं पा, तो यो वडी एकड़ो माचन वरी दुख जी गाल है, एकड़ो वडो इल्मी हुए है, असा कदे भी तरक्की न कर सकनासी जस ताई असा मर्द है और तू गर्जी कर पाजे मुल्क चला सर्फ न कदा। ब्रेन है यो भी मां में चंदी है कि ब्रेन है, ब्रेन दोनों के पास है ना, मर्द के पास भी वैसा है, अल्लाह ताला ने औरत को भी ऐसा ब्रेन दिया है, दोनों अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो इकोनॉमिकली भी वैसे भी हमारी सोसाइटी बहुत स्ट्रांग सोसाइटी बन जाएगी। आपके हर फील्ड में ना आप देखें, आर्टिस्ट हो गए, हर चीज़ में, आई मीन औरत के पास एक एस्थेटिक्स है,
आप उसको महरूम कर रहे हैं, उसकी सलाहियत सिर्फ उसको आपने किचन तक दिया है कि तुम अपनी अपनी जो है वो सलाहियतों को यहाँ तक दिखाओ। उसके बाद जो कुदरत ने उसको इतना कुछ दिया है, यू नो दुनिया में जहाँ जहाँ औरतों को मौका मिला है, आप देखें, बल्कि दुनिया को छोड़ें, पाकिस्तान में देखें, आपके पास अस्मा जहांगीर जैसी बेस्ट लॉयर रही, जिन्होंने कैसे कैसे केसेस लड़े। जब किसी महकूम तबके को कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता था कि भाई ये एक मुश्किल केस है, तो वो फौरन अस्मा जहांगीर की तरफ देखते थे। तो ये सलाहियत जो है ये आपकी तमाम औरतों में मौजूद है, लेकिन एक अस्मा जहांगीर को अच्छा घर मिला, अच्छा अच्छा फादर मिला, वो एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिला, बाकियों को नहीं मिल रहा, तो किसका नुकसान है? आपके हर दूसरे घर से एक अस्मा जहांगीर निकल सकती है, आपके हर दूसरे घर से एक शहर निकल सकती है, लेकिन हर घर वो औरत को वो माहौल नहीं दे रहा, तो कितना बड़ा नुकसान है, समाज का नुकसान है ना। बिल्कुल है। समाज में वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमारी औरतों को हमने वो इन्वायरमेंट नहीं दिया। आई मीन मैं आई एम नॉट हियर कि मैं बिलाल को डिस्करेज करूं किसी भी हवाले से, बिकॉज ये बहुत ही आज यू नो रोशन ख्याल नौजवान हैं और बहुत इनकी सोच अच्छी है। मैं वहाँ भी उनसे जो बात कर रही थी और यहाँ भी ये मुझे ऑफ कैमरा जो बता रहे थे कि ये किस तरह अपने घर में हेल्प करते हैं अपनी बहनों को और सब कुछ, लेकिन ये एक 1% ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन है। चलें बहुत ज़्यादा हम अच्छा सोच लें तो 2% पढ़े लिखे तबके की हम बात करें तो वाकई में बिलाल को स्पेशली मैंने आज इसलिए बुलाया क्योंकि जब आप जैसे नौजवान जो हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लोगों के आगे आप बात करेंगे ना तो वो ज़्यादा लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे और यहाँ पे एक एक थॉट जो है वो क्रिएट हो जाएगी कि वाकई में लड़के जो हैं वो भी एम्पावरमेंट के हवाले से सोचते हैं, वो भी इस पे काम करते हैं। क्या कहेंगे बिलाल इस हवाले से? नहीं बिल्कुल, ये बात जैसे कि आपने एक बात कही थी उसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से घराने ऐसे हैं कि जहाँ पे वाकई लिटरली के पहले मर्द हजरात सारा खाना खा लेंगे, उसके बाद औरतें जो है बर्तन धोने के बाद सब तमाम कुछ काम वाम ख़त्म करने के बाद फिर खाना खाती हैं, ये रिवाज अभी भी है। लेकिन अगर इसको भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जितनी भी ज़ौजात थीं तो उनके साथ भी जो है वो बराबरी का सलूक किया। कोई ऐसा देखने में नहीं आता कि आप पहले खाना खा लिया करते थे और वो फिर हमारी जो जितनी भी अम्माएँ हैं, हमारी माएँ हैं, ये सारी जितनी भी उनकी ज़ौजा हैं, तो वो इस तरह बाद में खाना खाया करती थी। ऐसा भी देखने में नहीं आता इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी तरफ अगर आपने ये कहा कि हमारी बातों को फॉलो किया जाएगा, तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी बातों को पूरा कुल समझ के फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट खुद ये सोचें कि आप किस डगर पे जा रहे हैं। अगर आपके घर में ये प्रैक्टिस की जाती है, ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है कि आपके घर में भी जो है वो औरतों को नीचे रखा जाता है या डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं लाया जाता, या फिर दादा परदादा और वाले साहब जो है वही डिसीजन करते हैं घर में, एक आप आपकी माँ है, आपकी बहन है, आप उसको बेसिक राइट्स नहीं दे रहे, मतलब खाने की हम बात कर रहे थे ना, आप उसको एक पेट समझ रहे हैं। इस पे ज़्यादा हम बात करेंगे बिलाल, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, तो ब्रेक जो टाइम थे इंशाल्लाह ब्रेक का बाद असांजी जेका गुफ्तगू आहे वधीक जारी आहे सारी हूंदी। गरोगर तव्हांखे ॿुधायूं की असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारनि तावन कयो आहे, ऐं इहो बि स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारनि असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे तावन कयो आहे। गरोगर इहो ॿुधायूं की 1949 खां वठी हिननि जो जेको ड्राई क्लीनर्स जेके आहिनि स्नो वाइट ड्राई क्लीनर्स, हिननि हाणे 68 सालनि जे एक्सपीरियंस खां बाद मुतारफ़ करायो आहे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर। असां ख़रीद करे सघूं था पंहिंजा जेके कपिड़ा आहिनि उन्हनि खे साफ़ रखी ख़ुशबू जेका आहे धोइण हिननि पाउडर सां जेके कपिड़ा तव्हां असां धोईंदासीं त ख़ुशबू जेका आहे सॼे घर में फैलिजी वेंदी ऐं तव्हांजे कपिड़नि जो जेको रेशो रेशो उहो खिली वेंदो। वधीक कचहरी ब्रेक खां बाद इनशाला कंदासीं, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। कार चवंदासीं वेलकम बैक तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे, ऐं गॾु गॾु तव्हांखे ॿुधायूं की असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारनि तावन कयो आहे। स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जिन्हनि जो जेको फार्मूलो आहे उहो 1949 में डिस्कवर थियो आहे, इन खां बाद जेके हिननि जा ही ड्राई क्लीनर्स आहिनि पाकिस्तान जा नंबर वन ड्राई क्लीनर्स आहिनि, जिन्हनि हाणे मुतारफ़ करायो आहे हीउ जेको पाउडर आहे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर, ऐं जंहिं सां तव्हां पंहिंजा कपिड़ा धोई उन्हनि खे उन्हनि जो जेको रेशो रेशो उहो चमकाए सघो था। हिकिड़ो एक्सपीरियंस अहिड़े टाइम खां बाद जेको ड्राई क्लीनर्स आहिनि हिननि जो एक्सपीरियंस जेको आहे उहो उन ते तव्हां काउंट करे सघो था, ट्रस्ट करे सघो था, छो त 68 सालनि जो एक्सपीरियंस असां चवंदासीं। ऐं तव्हांजे कपिड़नि ते जेके बि हाणे जेके दाग़ लॻियल आहिनि उहे सभु दाग़ टिकी न सघंदा, ऐं शरारती जेके बि दाग़ आहिनि उन्हनि जो दुश्मन आहे
स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर दुश्मन है तव्हांजे कपिड़े ते, जेके बि शरारती दाग लॻल आहिनि उन्हनि जो, ऐं असां इनशाला जेका कचहरी करियूं पिया उन कचहरी ते इलाही सारी शयूं आहिनि। ब्रेक में बि असां लड़ाई करियूं पिया, विढ़ूं पिया। बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू आहे, डिफरेंट डिफरेंट उहो थी सघे थो, उहो अलॻि बि थी सघे थो, सेम बि थी सघे थो। त ज़रूरी हूंदो आहे की असां अहिड़ा टॉपिक्स जेके आहिनि उन ते ॻाल्हायूं, असां अवेयरनेस जी ॻाल्हि करियूं, त जिथे असांजी आवाज़ु पहुचे थी त उते थोरी बि हिकिड़ो परसेंट अगरि अवेयरनेस क्रिएट थी वञे, हिकिड़ो वॾो मां चवंदुसि की हिकिड़ो जहाज़ हूंदो अॼु जे टाइम पीरियड में। फेमिनिज़म की हम बात करें त फेमिनिज़म हिकु आर्ट मूवमेंट थी, हिकु मूवमेंट थी जो ख़वातीन जो है वो तंग आ गई थी, उनको बेसिक राइट्स नहीं थे यूरोप में, तो उन्होंने एक लड़ाई की पूरी, उसके लिए एक पूरा एक टाइम पीरियड है। तो उसमें जो आर्टिस्ट हैं वो भी, जो जर्नलिस्ट हैं वो भी, और सारे लोग मिल के उसमें जो ख़वातीन हैं उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, जिसमें गोरिल्ला गर्ल्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है, उन्होंने एक गोरिल्ला गर्ल्स की जो पेंटिंग्स बनाई। तो आई मीन बेसिक राइट्स की हम जब बात करते हैं तो ऐसे मूवमेंट्स चलाना ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि हमारे भी राइट्स हैं। और हम यहाँ पे तो हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे तो बोलेंगे एडवांस उसकी हम बात कर रहे हैं या यूरोप की हम बात करें, वहाँ बहुत ओपन माइंडेड लोग रहते हैं। लेकिन हम जब हमारे अपने मजहब की बात करें तो मैं कहूँगी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मिसाल कोई फेमिनिस्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे बिलाल? देखिए, हमारी सबसे बड़ी, हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अगर यूरोप की बात करते हैं ना, तो हम उसको जब अडॉप्ट करने जाते हैं तो हम उसकी नेगेटिविटी को पहले अडॉप्ट करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मैं ये दूंगा कि यूरोप के अंदर फलाह बहबूद का काम सबसे ज़्यादा है, सही है। वो ओल्ड सिटीजन्स का ख्याल रखते हैं, वो ख़वातीन के ऊपर भी जो है वो सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो चाइल्ड लेबर के ऊपर कितना सख्त कानून है, कितना सख्त कानून है। और यहाँ आपको हर मैकेनिक के पास, हर होटल के ऊपर एक छोटा ज़रूर मिलेगा। हम वो चीजें नहीं देखते। अच्छा, आप यूरोप की बात करें बिलाल, हम ईरान की बात करें, ईरान हम नेगेटिविटी को फौरन अडॉप्ट करते हैं कि वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रीडम है और औरत के लिए फ्रीडम है, तो वो उसके लिए जो है वो मुश्किलात का बाइस बन रही है। हम ये चीज़ तो देखते हैं, हम पॉजिटिविटी को नहीं देखते कि वो फ्रीडम उसको किस तरह फ्लरिश करने में मदद कर रहा है, किस तरह वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह रिसर्च की जा रही है, और दोनों मिलकर कर रहे हैं उसके अंदर। क्योंकि आपके अंदर जो सलाहियत है ना, वो हो सकता है मेरे अंदर ना हो, लेकिन जो मेरे अंदर सलाहियत हो सकता है वो आपके अंदर ना हो। तो आप दोनों की जब सलाहियत, हम दोनों की अलग अलग सलाहियतें हैं, दोनों मिलकर एक साथ एक काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ फ्लरिश करेगी। हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि पॉजिटिविटी को नहीं देखते हम, उसकी नेगेटिविटी को फौरन हमें हमारे दिमाग पर जाके हिट करती है। पॉजिटिविटी हमें दूर दूर तक, अच्छा ये भी होता है, चलो ऐसा देख लेंगे, लेकिन नेगेटिविटी को हम फौरन अडॉप्ट कर लेते हैं। जब भी कोई यूरोप की बात करें, अभी बहुत जो लिबरल माइंड होंगे वो तो चलो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो कंजर्वेटिव माइंड होंगे वो कहेंगे यार ये बहुत जो है ना वो मॉडर्न बातें कर रहा है और बहुत ज़्यादा जो ओपन बातें कर रहा है। तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि यार ये यूरोप की बातें कर रहा है तो इसके अंदर नेगेटिविटी भी है सब कुछ है, वो पॉजिटिविटी को वहाँ पर बिल्कुल नहीं देखते हैं। सही बात है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखें तो आपको कहीं पर आपको ये गुलामी वाला जो है वो अंसर कहीं नज़र नहीं आता, जो अगर आप हमारे यहाँ बहुत से माशरे के अंदर, तबके के अंदर देखें कि एक अंसर है औरत के साथ अभी भी जो है ना वो फैक्टर मौजूद है कि गुलामी का फैक्टर, बिल्कुल कि उसको जो है वो दबा के रखा जाता है। लेकिन इस्लाम में आप उठा के हिस्ट्री देखें ना, आप कहीं से भी उठा के देखें, ए टू जेड तक उठा के देखें, अजल से अबद तक उठा के देखें, आपको कहीं गुलामी का फैक्टर नहीं मिलेगा। औरत को फ्रीडम दिया गया है आजादी है राय के लिए। अच्छा, इससे पहले नहीं था, पहले की हम जब बात करें हुजूर अकरम से, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले क्या क्या इज्जत होती थी औरत की, और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरत को क्या मुकाम दिया, क्या इज्जत दी है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद ऐसा मजहब है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की बात की गई तो वो औरत के हवाले से बात की गई, औरत की रिस्पेक्ट, औरत की इज्जत और एहतराम की तकरीम के हवाले से बात की गई। जब बात करते हैं हम कहते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है। माँ का रुतबा भी तीन दर्जे ज्यादा रखा गया है क्योंकि उसके वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए कि औरत की क्या इज्जत है, क्या उसका लेवल है। तो ये चीज हमें नजर नहीं आती है। तो ये कि अगर आप देखें ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर अपनी बेगम को देखें जिनसे उनको इतनी मोहब्बत थी, बीबी खदीजा वाज अ बिजनेस वुमन। कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत सिखाने वाली वही थी, ठीक है, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी तो वो सबसे पहले जाके उनको बताते थे। तो ये जो एक पूरा एम्पावरमेंट का जो ये एलिमेंट है इस्लाम के अंदर, इस पर लोग बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ औरत को पर्दे में लाना है, औरत ने क्या नहीं करना, मर्दों की चार शादियां हैं, उस पर हमारे मुल्ला बरादरी जो है वो हर तरह की बातें करेंगे, लेकिन जहां औरत इम्पावर्ड नजर आती है, जहां पे हम बात जहां राइट से। एक और चीज भी है उसना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है, आपने फरमाया बहुत खूबसूरत लफ्जों में उनकी हदीसें जो है, अगर हम उनको समझ लें ना हमारा मतलब प्रॉब्लम जो है लाइफ में वो सॉर्ट आउट हो जाए। उनकी हदीस है कि जो भी औरत पे हाथ उठाता है वो हम में से नहीं है।
आपने फरमाया कि औरत के साथ घर का जो काम है वो करवाया करो, और आपने ये भी, मैं सुबह भी ये बता रही थी कि ये भी हदीस है कि आप घर में जो अपने अहलो अयाल के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते हैं, वो रोजे से ज़्यादा उसका सवाब होता है। तो मतलब हमें ये चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती हैं कि आप उनको भेड़ बकरी की तरह ट्रीट नहीं करो, आप उनको एज अ लाइफ पार्टनर ट्रीट करो। बिल्कुल, अपना बेटर हाफ जैसे हम बात करते हैं, हम लोग वो चीज़ समझ सकते हैं। जहाँ पे वो लोग नहीं समझ सकते तो वो क्यों नहीं समझ सकते, उस रीज़न को क्या रीज़न है वो नहीं समझ पाते, या उनकी एक साइकी क्यों एक डेवलप हो गई है कि औरत है तो ये बिगड़ जाएगी। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं, बिलाल ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के कि बिल्कुल सही ही पॉइंटेड आउट यू नो समथिंग करेक्टली, कि हमारे यहाँ जब भी हम वेस्ट की बात सोचते हैं तो शायद हमारे जहन में फौरन फहाशी आ जाता है। वेस्ट यानी कि वेस्ट यानी इतना फ्रीडम के औरत जो है ना वो शायद जो उरियां जो है वो घूम रही है। लेकिन मैं 10 साल अमेरिका में रहकर आई हूँ, आई कैन टेल यू ये सारी बातें हैं, प्रोपोगेंडा है। मैंने वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त औरतें देखी हैं जो कि देखें, औरत को कमोडिफाई किया गया ना। अगर औरत को जागीरदार ने गुलाम बनाया, ठीक है, बॉन्डेड लेबर बनाया, सेक्सुअल स्लेव बनाया, तो वहीं पर ही जो सरमायादाराना निज़ाम है मौजूदा दौर में, उसने औरत को कमोडिफाई किया, उसने उसको बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह से बेचा। और फिर इस तरह की इंडस्ट्रीज आ गई हैं कि मैं नाम भी नहीं लेना चाह रही, जहाँ पर औरत बिल्कुल हकीर हो गई, उसकी उसके रुतबे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसको एक एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया। तो हमें ये लगता है एंटरटेनमेंट टूल भी आप एंटरटेनमेंट टूल है, एब्सोल्युटली। ब्यूटी के नाम पे भी वो एक बिल्कुल एक सिर्फ एक चेहरा बन गई, उसकी सोच, उसकी सलाहियतें। तो वेस्ट का वो वेस्ट का किरदार नहीं, वो एक सरमायादाराना निज़ाम का किरदार है जिसमें हम भी शामिल हैं, जिसमें बिल्कुल हम भी जो प्राइवेटाइज इदारे हैं उन्होंने ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन जहाँ वेस्ट की बात आती है, आप यकीन करें मैंने औरतों को देखा है, वहाँ मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है, वहाँ वो अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं। 60 की दिहाई में अगर औरतों ने लड़ाई नहीं की होती, क्या हमारे और आपके पास आज वोट डालने का हक होता? नहीं। अगर वो औरतें सड़क पे नहीं निकली होती, उन औरतों ने स्लेवरी को फाइट किया, उन्होंने जो एक विच क्राफ्ट करके जो औरतों के खिलाफ जो एक मुहिम थी, जहाँ पर जो नर्सेस वगैरह थी उनको जलाया जाता था कि औरत घर से ना निकले, तो औरत जब मिडवाइफ बनी तो एक नर्स बनी, तो वो जगह जगह जाती थी, तो वो औरतों को एम्पावर करती थी कि भाई तुम्हें जो है वो बच्चा पैदा करने में तुम्हारा हक होना चाहिए, ये तुम्हारे हुकूक है। तो मर्द इतना खौफ ज़दा थे कि उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगा के उनको जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये पूरा विच क्राफ्ट का अगर आप पढ़ेंगे पूरा एक दौर था जी जी। लेकिन उसको फाइट किया औरतों ने। सोचो वहाँ से निकल के औरत यहाँ तक कैसे पहुँची होगी कि आज मी टू कैंपेन चल रही है, कि आज एक बॉलीवुड का इतना बड़ा प्रोड्यूसर है जो कि ज़मीन पे आ गया, सारी औरतें यूनाइट हुई और कहा कि इसने हमारा इस्तेसाल किया है। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी औरत ने कैसे की, इसी तरह से मिलके अपने राइट्स के लिए बात करके, और मर्द साथ खड़े थे। क्योंकि जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो मैं अलाउ नहीं कि मैं फेमिनिज्म पे बात करूँ, हमारे यहाँ फेमिनिज्म एक गाली बन गई है। औरतें भी कहेंगी नहीं नहीं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, जैसे कि फेमिनिज्म कोई गाली हो, अजीब कोई ताबू है। हाँ, हम ऐसे वाकई में समझते हैं। हाँ। बिलाल, हम फेमिनिज्म को ताबू समझते हैं। फेमिनिज्म को जो है ना वो परसेप्शन ज्यादातर नेगेटिवली ही लिया जाता है, बड़ा एक्सट्रीमिस्ट तौर पे लिया जाता है कि फेमिनिस्ट है तो बिल्कुल मर्द को हेट करेगी, मर्दों को तो ये पसंद ही नहीं करती है, जबकि उनके अपने घर में भी मर्द है यार, उनके अपने भाई भी है, उनके अपनी उनके अपने वालिद साहब भी है, उनके अपने शौहर भी है। बिल्कुल, लेकिन वहां पर एक फैक्टर आ जाता है। अच्छा, कहीं कहीं सॉरी टू से, कहीं कहीं कुछ ऐसा तबका है फेमिनिज्म के अंदर कि जो जब उनके पास ये पावर आती है तो वो देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, सही हाँ, है, रेशो का फर्क होता है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो ऐसा तबका भी है जो फेमिनिज्म के अंदर जो है ना वो खुद को ये बड़ा पावरफुल समझता है, तो वो बिल्कुल मर्दों को जो है इग्नोर करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। इतना हाईलाइट किया गया है कि वो ऑब्वियसली नेगेटिव परसेप्शन बन गया। ज्यादा हम बात करते हैं ब्रेक के बाद, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधायूं कि असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारनि तावन कयो आहे, ऐं स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर सां असां कपिड़ा धोईंदासीं त उहे रेशो रेशो हुन चमकी वेंदो, ऐं असां जेको घर आहे उहो ख़ुशबू सां फैलिजी वेंदो। इनशाला वधीक गुफ़्तगु जेका आहे उहा कंदासीं ब्रेक खां बाद, ऐं ब्रेक खां बाद ॿियूं शयूं आहिनि जिन्हनि खे हाईलाइट करणु ज़रूरी आहे, जिन ते ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ऐं वञो, काॾे बि न ॾिसंदा रहिजो सलाम सां।
बैक सभी प्यारे मानों के एक दफा बीहर ए बुधाई हलूँ तो अज के प्रोग्राम के स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वाले तावन किया है 1949 का पाकिस्तान में सब का वो ड्राई क्लीनर स्नो वाइट हाँ मुतारिफ कराए रो है स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर ए 68 साल के तजुर्बे निचोड़ो बेहतरीन फॉर्मुलो स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जैसा तेजे कपड़े जे दाग हैं वह हाँ टिकी ना खत्म दाग तो हूँ भी असर है कि वार जो घर में लगाइंदा कपड़न से हूँ भी कुकिंग कदे असाजे कपड़न दाग लगी वह केतो मां तो पेंटिंग कहीं आ पेंटिंग कहते कपड़े से दाग लगी वह हाँ स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जो है वो ये दाग जो ये सब खत्म कर छो इंशाला जे भी असा कपड़ा वो ये हों इलाही सारा अड़ा सर्फ हैं जो यूज क्या जे जैंखा बाद कपड़े की जो एज है वह अपना होंगी या एक्सपेंसिव हूँ तो एक मुनासिब कीमत में तुम खरीद कर सोता स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर एंजा जो कपड़ा उनके चंगी तरीके से साफ कर सोता खुशबू जो इनकी जबरदस्त खुशबू है कपड़ा धोने के बाद जो खुशबू है तीन सजे घर में पखड़ी वी कचहरी असानी अज हले पी फेमिनिज्म के हवाले से बिलाल खान अस हुस्ना अली अस हम बात करें तो फेमिनिज्म की। अच्छा इससे पहले आपको सवाल करें मुझे आपसे एक सवाल करना है जो आपने इतनी जो है वो इसके बारे में डिटेल में बताया आप खुद भी कपड़े धोती हैं? हाँ कभी 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 हाँ वाकई में कभी कभी मैं धोती हूँ। आपने इतनी डिटेल में बताया और एक एक चीज इतने वाज़े तौर पर बताई तो मुझे लग रहा था शायद आप जो है वह सबसे ज्यादा आप नहीं क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मसले होते हैं सिर्फ कपड़े मेरे खराब नहीं होते मेरे जूते हैंडबैग ज्वेलरी हर चीज क्योंकि मैं पेंटिंग करती हूँ तो हर चीज पे पेंटिंग करती हूँ तो पेंटिंग में तो खुद को भी पेंट कर लेती हैं नहीं वो बंदा पेंटिंग कर रहा होता है ना तो उसको पता नहीं चलता वो कहाँ पे एप्रन कभी पहना हुआ होता है कभी नहीं पहना होता तो फिर पूरा आप कलर्ड हो जाते हो ना उसमें रंग जाते हो कलर्स वैसे बिलाल ये दोनों आपके लिए रखें घर जाके आज आपने सारे कपड़े धोने अब वो अक्सर नहीं एक मैं आपको दूंगी एक बिलाल को दूंगी तो आप लोग घर जाके आराम अक्सर घर पे यही काम कर रहे होते हैं घर पे काम करते हैं बिलाल आप बिल्कुल करते हैं और घर के काम करने चाहिए अपने काम तो खुद करने चाहिए मैं तो ये कहता हूँ किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ये सही है कि आपके साथ अगर कोई फैसिलिटी है कि वालिदा हैं बहने हैं बेगम है तो आप लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो कि वो ही करेंगे तो आप करेंगे आपके पास खुद हाथ पैर हैं आपके पास खुद हिम्मत है आप जाके वो काम खुद कर लें यार अगर टाइम है तो सुन्नत भी यही है अपना काम खुद करना चाहिए बिल्कुल सुन्नत यही है अगर आप देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर काम खुद करते थे पेवंद भी खुद लगा रहे होते थे कपड़ों के अंदर दूध भी खुद धोते थे बकरियों से सारे काम खुद किए जिंदगी के मामलात भी खुद तय कर रहे होते थे नबूवत के मामलात भी तय किए और अपने आम जिंदगी के काम भी खुद कर रहे होते थे तो आपके अंदर कौन सी आना है कि आप जो कहते हैं कि भाई मैं जो है वो घर में जाऊं तो बस मैं घर में लेट जाऊं सुकून से मेरे हाथ पैर दबाने के लिए भी नौकर चाकर हो और मेरे काम काज करने के लिए भी बेगम और वालिदा और बहने हो बिल्कुल सही बात है थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है और मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा इसके ऊपर जो है वो जोर देना पड़ेगा एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह इन्होंने जो है वो हर पॉइंट को एलैबोरेट किया और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बात ऐसी कर दूँ जो समझ में आ जाए व्यूवर्स को और मुझे लगता है कि छोटी छोटी सी एक जो है परसेप्शन उसको चेंज करना है बाकी इतना ज्यादा उसके ऊपर अच्छा एक और चीज़ भी अहमियत जो है ना जब तक हम अपनी बहनों को अपनी माओं को अहमियत नहीं देंगे ना उनको उनके बेसिक राइट हमें खुद को ही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या हम कभी उनसे पूछें बैठ के कभी ये तक चंदा असा अक्सर ये घर में ये होंगे कि असो अजीब इन्वायरमेंट क्रिएट थी वी है घर में कि असा जो वालदेन असि वालदा है असा उन्होंने पुछंदा ना उन्होंने हाल अहवाल असो टाइम पीरियड थी वो वो भेणुन का ना पुछंदा कि तक कई शे की जरूरत ना है भेणुन से वही पुछंदा ना कि को मसलो तो ना का गाल तो ना कुछ शेयर तो ना करो मजाक मस्ती पैनी जगह पर कदें कदें सीरियस थी असि फैमिली जो उनके ऑन करण घुर्जे उनके प्रॉब्लम्स वो पुछण घुर्ज इनसो रिलेशनशिप सुठो क्रिएट थी वो बिलहाल हम लोग अहमियत नहीं देते कैसे हम अपनी बहनों को अपनी वालदा को अहमियत दे सकते हैं रियलाइज कर सकते हैं उनके में अहमियत हम एक तरह से देते हैं हमें पता होता है कि इनके क्या हकूक हैं इनके क्या इनको जो है वो अपनी चीज़ें प्रोवाइड करनी है लेकिन हम कहीं ना कहीं उसमें सुस्ती कर जाते हैं हम कहते हैं कि यार ये चलो नहीं दिया तो क्या हुआ कौन सा मर जाएगी हमने नहीं दिया तो कौन सा अफेक्टेड हो जाएगी हमारे अंदर वो सुस्ती आ जाती है काहली आ जाती है हमें पता होता है कि इसके क्या हुकूक हैं हमें क्या इसके साथ जो है वो रवैया रखना है हमें इसको क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है हमें इससे किस लहजे में बात करनी है हमारे अंदर कहीं ना कहीं लैग आ जाता है अरे यार छोड़ो ना नहीं किया तो क्या हुआ और कहीं और वही चीज़ आप अपने बॉस के साथ कर नहीं सकते ऑफिस में करके दिखाएं जरा पता चलेगा आपको वहाँ आप अलर्ट रहते हैं वहाँ पर आप एक्टिव रहते हैं यहाँ पर जब आपके पास बातें थे पता सब कुछ होता है कोई बच्चा नहीं होता मैं बता रहा हूँ ना सबको एक, एक एक बात पता है आपको पता है यार आपके माँ के ऊपर क्या हुकूक है आपके तो उनके साथ आपने कैसा रवैया रखना है
आपके ऊपर के बेगम की क्या जो है वो हकूक है और चीज़ें हैं, आपको सब पता होता है बहनों के हवाले से पता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसके अंदर खुद जो है वो सुस्ती कर जाते हैं। तो हमारी अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें खुद अपना एहतसाब करना होगा कि यार हम कर क्या रहे हैं उसके साथ। वो एक घर का अहम फ़र्द है, उसके साथ अगर हम ऐसा करें तो इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली असर आपकी पर्सनैलिटी पर होगा। सही बात है। वो पर्सनैलिटी बाहर जाकर रिफ्लेक्ट होती है। सही बात। आज यहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी मेरी बातों से रिफ्लेक्ट हो रही होगी मेरे घराने से कि क्या घर में चल रहा है। आपकी पर्सनैलिटी आपके घराने से, आपकी बातें आपके घराने से रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि क्या चल रहा है। सही बात। ये रिफ्लेक्शन होता है, हम चाहे माने या ना माने इस बात को। बिल्कुल सही बात। रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो आपको अगर अपना रिफ्लेक्शन अच्छा करना है तो ऑब्वियसली आपको घर में टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ेंगी, आपको जो है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर किस तरह जो है वो ज्यादती कर रहा हूँ और कहाँ पर जो है वो कमी बरत रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको सेकंड करूंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें जब तक हम खुद ही चीज़ें रियलाइज़ नहीं करेंगे वो नहीं हो सकती। उसने आपसे भी पूछूंगी कैसे आप जर्नलिस्ट बनी, एक अपना एक स्ट्रगल होता है सबके पीछे, क्या स्ट्रगल है हुस्ना के पीछे? मैं अपना स्ट्रगल बताने से पहले एक बात कहूँगी कि सहर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है कि हम बात नहीं करते, पूछते नहीं हैं। हमारे कल्चर में पता नहीं क्या है कि कोई किसी से बात नहीं करता, मियाँ बीवी आपस में बात नहीं करते, शर्म का एक टैग है ना हमारे पास। पता नहीं क्या मसला है कि हम शर्म के अलावा भी, या तो हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लेते हैं, हमारे यहाँ गुफ्तगू का, मुकालमों का एक कल्चर ही नहीं है। और ये बड़ा अच्छा बिलाल ने कहा कि इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, और ब्रेक इंसान अपनी ज़ात से ही शुरू करता है कि सबसे पहला स्टेप आप लें, आज आप घर जाके अपनी माँ से बात करें, आज ये घर जाके अपनी वालदा से बात करें। अच्छा, मेरी जर्नी जो है सहर वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत से देखने वाले आपके जो आपके फैंस हैं उनको लगता होगा कि ये यहाँ पर बैठ के बड़े फेमिनिज्म पे बात कर रही है, इसके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। अच्छा, ये बात भी है, मतलब हमारे जो इंटीरियर साइड पे लड़कियाँ रहती हैं उनका अलग से एक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो शहर में रहती हैं उनके अलग है। इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। कॉल भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तहमीना की है तहाँ शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक आयो। प्रोग्राम की पे लगे तांके? लगे। अच्छा, कुछ चवन चाहिंदा हो? असा छोकरिन जे न्याणिन जे हवाले सा गालायो था। छा ता कयो ता? प्रोग्राम ते दिसो बस। अच्छा, हूं छा कंदा आयो, पढ़ना आयो? मैं बस पढ़ी रही थी, हाने घर में हुंदा। अच्छा, केत्रो पढ़ियो है? पंज दर्जा पढ़िया। ने मोरो मा ता गालायो था? जी जी बिल्कुल सही। बियो कुछ चवन चाहिंदा, को सवाल है ता जो? ना भाजी, बस तवा डाडा सुठा गला गो आई, तवा ने प्रोग्राम डाडा सुठा गला। थैंक यू सो मच, असा के तेमिना ता असा के अप्रिशिएट कयो थोरा ता ता जा एडो प्यार असा करियो ता, थैंक यू सो मच। अब वो भी बात करें कि वो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक वो पढ़ी हुई। अच्छा। है वो पढ़ लिया, अब मैं घर पे बैठी हूं। हां, अब देखिए उसमें सेटिस्फाई है। असल में देखिए समाज आपकी एक सोच जब बना देता है, कहते ना जब आप अपनी गुलामी में कंफर्ट लेने लगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइंड होता है ना, वो सबसे ख़तरनाक होता है। जब एक औरत को ये बावर करा दिया जाए कि तुम्हारा इस्तेसाल ही तुम्हारी खुशी है, तो फिर वो क्या करेगी? वो उसी इस्तेसाल में खुश रहेगी। हालांकि ये मुझे तो बहुत दुख हुआ इस कॉलर का सुन के कि पांचवी तक दुनिया कहां से कहां निकल गई है और चांद पे लोग पहुंच रहे हैं, औरतें क्या क्या कर रही हैं, और ये बल्कि आज से कितने साल पहले पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जो पहले बात कर रहे थे, तो जो इंटीरियर में जो हमारी बहनें बैठी हैं उनके लिए या इस बच्ची के लिए स्कूल जाना, पांच से आगे पढ़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। तुम्हें और मुझे इसका स्ट्रगल नहीं पता। वो दो मिनट की कॉल में हमें नहीं बता सकेगी कि उसको कितने मरहलों से गुजरना पढ़ेगा वो इजाज़त के लिए कि वो पांचवी से आगे पढ़े। मेरे जैसी औरत जो इस तरफ बैठी है, जो शहर की है, जो कि लगता है कि अच्छा बाहर से पढ़ के आई है, मेरे लिए भी चीज़ें आसान नहीं थी। हालांकि मेरी अम्मी एक बहुत ही रोशन ख्याल औरत थी, उन्होंने हमें पढ़ दिए। मैं लिटरली कहती हूँ औरतों को जो पंख देते हैं वो सबसे अच्छे पेरेंट्स होते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ दिए, उन्होंने कहा बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ो। लेकिन मैं क्या पढ़ूँगी ये मेरे घर वाले डिसाइड कर रहे थे। हमारे यहाँ आज भी देखिए तालीम की जब हम बात करते हैं तो तालीम सिर्फ एजुकेशन हासिल करना नहीं है, क्या एजुकेशन है। आज भी हमारा समाज ये समझता है कि औरत के लिए दो सब्जेक्ट्स या दो प्रोफेशंस हैं, एक टीचिंग और एक मेडिसिन। ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ठीक है, कोई शहर अगर एंकर बनती है तो
तो उसको कितना घर में कन्वेंस करना पड़ता है ये तो सहरी बता सकती है. मैं अगर जर्नलिस्ट बनी तो मैं आपको बताऊं, मैं जब अमेरिका गई तो मुझे मेरे भाइयों ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा आप प्री मैट पढ़ेंगी. आई वॉज़ वेरी बैड इन केमिस्ट्री, मेरे केमिस्ट्री में सी आते थे, मास कम्युनिकेशन में ए प्लस. तो मुझे शुरू से ही पता था कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या चीज़ इन बिल्ट है मेरे अंदर. हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता. अब मैं उनको ये समझा नहीं सकती थी क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली तालीम को एक इन्वेस्टमेंट समझती हैं, और औरत पे भी इन्वेस्टमेंट ही है कि उसने आगे जाके एक डॉक्टर बनना है तो वो अपने घर को जब चलाएगी तो वो टीचर होगी तो अपनी नस्लों को कैसे रखे. हम बाकायदा बड़े कैलकुलेटेड किस्म के लोग हैं. तो मेरी फैमिली भी थी, उन्होंने कहा आपने साइंस पढ़ना है. अब मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने तो साइंस नहीं पढ़ना था. मैंने साइंस पढ़ने की कोशिश की और मैं सी ग्रेड लाती थी और मुझे पता था मैं ज़हीन हूँ, फिर मैं सी ग्रेड क्यों ला रही हूँ. फिर मैंने शहर छुप के पढ़ा, मैंने 4 साल छुप के जर्नलिज्म आपने छुप के पढ़ा. छुप के पढ़ा. अच्छा. मैं क्या करती थी कि मेरे जो ग्रेड्स हैं कि वो मेरे फैमिली तक ना पहुँचे तो मैंने जाके एड्रेस बदलवा दिया डीन ऑफिस में कि भाई इस पते पर जो है वो मेरे ट्रांसक्रिप्ट भेजे जाए मेरे रिजल्ट, ताकि मेरे घर वालों को पता ही ना चले कि मैं पढ़ क्या रही हूँ. तो मेरे लिए ये पहली बगावत थी. और जब मेरे घर वालों को, खासतौर पर मेरे भाइयों को पता चला तो मुझे अपने रिश्ते कुर्बान करने पड़े. मेरे भाई मुझसे बहुत नाराज़ हुए क्योंकि मेरी फ़ीस वो देते थे, वो बहुत नाराज़ हुए. वहाँ से मेरे रिश्ते ख़राब होने शुरू हुए क्योंकि उसके बाद मुझे अपना रास्ता लेना पड़ा कि भाई हम अब आपको आगे सपोर्ट नहीं करेंगे. आपने, हम आपको उसी वक्त सपोर्ट करेंगे जब आप वो पढ़ें जो हम चाहते हैं. सही. तो मैंने अपनी पहली बगावत उस वक्त की. तो मैं अपनी बहनों को जो देख रही हैं ये बताना चाहूँगी, अपने हक के लिए बगावत करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है. मेरे लिए भी ज़िंदगी आसान नहीं थी. हाँ, आज मेरे घर वाले मुझ पर फ़ख्र करते हैं जब वो मुझे टीवी पे देखते हैं. मैं ARY पे भी थी. मनवा लेते हैं ना बेसिकली, आप वो चीज़ मनवा लेते हैं. लेकिन टाइम लगा सर, उसमें सालों लग गए. कभी कभार आप थक जाते हैं, आप अकेले होते हैं, आप तन्हा हो जाती हैं औरतें. लेकिन ये कि ये स्ट्रगल ज़रूरी है, ये मनवाना ज़रूरी है. मेरे ख्याल से ये तुम ज़्यादा बेहतर बता सकती हो क्योंकि तुम्हारी भी यही जर्नी रही होगी. तो लड़कियां ये ना समझें कि सिर्फ तालीम, तालीम में जो चॉइसेस हैं, और जो अच्छे मर्द हैं ना वो अपनी औरतों को पे चॉइस इम्पोज नहीं करते, अच्छे माँ बाप चॉइस इम्पोज नहीं करते. अच्छा, एक और चीज़ भी है, हमारे जो बिलाल, हमारी जो सोसाइटी की लड़कियां हैं, भले वो पढ़े लिखे ख़ानदान से भी हों, भले वो कितने भी एडवांस फैमिली से हों, वो अपने प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकती हैं. अपनी जो चॉइसेस हैं वो शेयर नहीं कर सकती. वो शेयर ना करने की वजह से सारे मसाइल उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं. ऐसा है, वो शेयर नहीं करती, उसका मसला पता है क्या है? वो कम्युनिकेशन गैप है. हाँ. हमने एक स्पेस रखा हुआ है बीच में कि बस आपकी लिमिट, आपकी बाउंड्री. हाँ, आपकी डोमेन वहां तक है, मेरी डोमेन यहाँ तक है, इसको क्रॉस नहीं करना है आपने. हाँ. और वो आप डेयर नहीं वो, देते हैं वो जब आप अपनों से क्रॉस नहीं करते ना, फिर परायों से क्रॉस करते हैं आप. और जब परायों के साथ क्रॉस करते हैं ना तो वो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है. 99.99% नेगेटिव रिजल्ट आता है क्योंकि पराया आपको जो है ना वो या तो मटेरियलिस्टिक समझ के यूज करता है, या तो आपसे प्रॉफिट हासिल करने के लिए जो है वो आपको एक प्रोडक्ट बना लेता है. सही. क्योंकि आप उससे अपने इमोशंस, अपनी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं और वो आपको यूज़ कर रहा होता है. सही. तो अपनों के अंदर अगर वो गैप को, वो स्पेस को ख़त्म कर दिया जाए कि अगर मेरे साथ कोई मसला हो तो सबसे पहले मेरे वालिद को, मेरी वालिदा को पता हो, एज़ कम्पेयर के मेरे दोस्तों को या मेरे यारों को और दीगर माँ बाप को पता हो. सही. तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि वो माँ बाप या आपके सगे रिश्तेदार, आपके बहन भाई जो आपके लिए कर सकते हैं ना, Nobody can do that for you. तो ये कम्युनिकेशन गैप है और बहुत बड़ा गैप है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसलिए ये बात बैठ के कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा. वो जो बात मैंने अब तक यहाँ पे की है सारी प्रैक्टिकल है कि मेरे साथ कोई मसला होता है, इवन कि अभी भी यहाँ पे भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, ट्रैवल करना है, वहाँ से फिर जाना है, चैनल जाना है, दूसरी चीज़ें जानी है, तो घर में सारा मेरा स्केड्यूल पता होता है. तो वालदा फ़ोन करके पूछती हैं, अच्छा आप खाना खा लीजिएगा, इस वक्त आप यहाँ पर होंगे, वहाँ पर होंगे, अच्छा जी हाँ मैं वहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पहुँचते ही आपके जो है ना वो मैसेज करता हूँ. मतलब कम्युनिकेशन है तो आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ नज़र आ रही है बिलाल. अगर आप ये खत्म किया हुआ है, उसका असर आप मेरे ऊपर देख रही होंगी. मतलब हम, हमारे जैसे जो बच्चे हैं, मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी जो भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले अपने बाबा के साथ शेयर, उसका फायदा होता होगा. इस पे ज़्यादा हम बात करते हैं तफसील से, मैं अपनी भी जर्नी बताऊंगी व्यूवर्स ताँ के बुधाइंदस इनशाला. इतने ब्रेक जो टाइम थे अगर अगर ताँ के बुधाइंदा हूँ तो असान अज जो
जो प्रोग्राम है असान अज प्रोग्राम के स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वन ताउन है उवंजा का वही इनको फार्मूलो है वो मौजूद हो जो ड्राई क्लीनर्स स्नो वाइट ड्राई क्लीनर्स पाकिस्तान जहाँ सब का वा ड्राई क्लीनर्स इन यो फार्मूलो जो अठठ साल एक्सपीरियंस और तजर्बे का बाद ही है स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जो तेके भी कपड़न दाग लगल उन सभी शरारती दागन दुश्मन है कचहरी इनशाला असान जारी सारी है टाइम शॉर्ट कॉमर्शियल ब्रेक जो कीप वाचिंग सलाम से वेलकम बैक चंदासी तां सभी प्यार मानुन के तां के बुधाइंदा हलूं तो असाज के प्रोग्राम के स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वन तावन कयो है स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जिन 1949 का वठी जो पाकिस्तान जहाँ सब का वा ड्राई क्लीनर्स स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारा इन्हें हाँ मुतारफ कराया है रिसेंटली मुतारफ कराया स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जो असर खरीद कर सूँ था कपड़ा जो भी उनके शरारती दाग हैं उनके असर खत्म कर सूँ था शरारती दागन के खत्म करने के लिए जरूरी है कि सुठो क्वालिटी वॉशिंग पाउडर हो स्नो वॉशिंग पाउडर जो स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर अठठ साल तजर्बो है उनके बाद ही ठाको है यकीन सुठो ए जबरदस्त फार्मूलो है जी अस इस्तेमाल कर सूँ था जो भी असान घर में जो कपड़न दाग लगन था उनके आसानी से मिटा सूँ था खुशबू भी तमाम जबरदस्त है तमाम कमाल की है एक्सपीरियंस का बाद जब शिकिरियत थी तो वह काबिले दीद हूँ या काबिले सताइश जरूर हूँ तेने में एक्सपीरियंस कर दिसो इनमें घट कीमत में मुनासिब कीमत में तुम खरीद कर सो घर घर असानी गुफ्तगु अज वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से हल पी इलाही सही शूं जिन के बारे में अस गाल पाया जरूरी हूँ जो अस हाईलाइट क्यों कुछ शूँ पी अवेयरनेस के लिए कुछ शूँ पेंे सेटिस्फेक्शन के लिए या कुछ शूं अड़ी जिन्हें हवाले से असि थॉट जहा अस सोच जें मुख्तलिफ़ एंगल में सोचे सके असें इलाही डप अस बेसिकली अलग शे ना सोचे सकना एक थॉट हमारी क्रिएट हो चुकी है उसको हम अलग नहीं तोड़ना नहीं चाहते बहुत डर लगता है जब आप अपना जो एक सोच है उसको तब्दील करने की बात करें ये फील करें कि मैं गलत हूँ असं जैसे पैं गलती रियलाइज कदी तद ही अस अगत सी या पैं मुल्क कुछ न कुछ बेहतर कर सी तो अस ाल पे वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से हुसना मुखा सवाल कर कि मुझी जर्नी है या माँ इतने पौती है तो उनके पोया कड़ी जर्नी है तो यो तक इलाही सारा व्यूवर्स जिनके खबर पे तो मुझे वालिदेन मेरे बाबा माकन शरीफ़ी वो राइटर हैं वो खुद आर्टिस्ट हैं तो वो बहुत आर्टिस्टिक माइंड सेट के हैं हमारी फैमिली सैयद फैमिली बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड फैमिली में बोलूं या ऐसी स्ट्रिक्ट फैमिली बोलूं जहाँ पे पर्दा जहाँ पे लड़कियों की तालीम तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है मैंने कहा ना क्वेश्चन मार्क वो चीज़ मैंने फील की है मतलब मेरे बाबा ने हमारी फैमिली से फाइट की ना वो बिलाल की तरह एक अच्छा उनका माइंड सेट पढ़ा लिखा माइंड सेट था फादर ने किया तो उन्होंने फाइट की फैमिली के साथ और छः साल तक मेरे मामा जो है बाबा से उन्होंने बात नहीं की इस बात पर लड़कियों को पढ़ा रहे हो इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो तो इस बात पे मतलब उन्होंने फाइट की और हमने भी बचपन से ये चीज़ देखी कि हमारी ये छोटी छोटी राइट्स के लिए हमारे पेरेंट्स को कितना फाइट करना पड़ रहा है तो वो चीज़ जो है रिफ्लेक्ट हुई आगे जाके अब मैं जैसे अब फाइन आर्टिस्ट हूँ विजुअल आर्टिस्ट हूँ पेंटिंग करती हूँ तो उस चीज़ में भी वो चीज़ मैं फेमिनिज्म पे ज़्यादा काम करती हूँ अब वो मुझसे कभी कोई क्वेश्चन करता ना फेमिनिज्म ही क्यों मतलब ख्वातीन के राइट्स ख्वातीन का किरदार ही क्यों वो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें मैं पेंट करती हूँ ना तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ जो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं ना आर्टिस्ट वही चीज़ आगे लाता है ना वो आपके माइंड में जो चीज़ बैठ गई तो आप उसको आगे लाने की कोशिश करते हैं तो अब फेमिनिज्म जो है वो इतनी बड़ी हवा नहीं है जिसको हम समझते हैं बेसिक राइट्स हैं छोटी छोटी चीज़ें जिनको हमें समझना भी चाहिए और उसमें मैं जो भी अपना काम होता है मेरा मिनिएचर में ज़्यादा मेरा काम होता है व्यूवर्स ने तो अक्सर वो देखा भी है शो में भी मैंने उनको दिखाया था इनशाला एट तक बो भी मुझे कम है पेंटिंग्स हैं जो इनशाला तक दिखारींदा पर यो है कि असं जैसे पैं न्याण के लिए पा फाइट न कहीं तो बो केर अची न कह न्याण के जैसे असें कें मकाम से ऐसो है कें पोजिशन से ऐसो है तो असें उन फाइट करनी पवी माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा ना हमें अपना एक जो क्रिएट एक थॉट हो चुकी है उसको खत्म करना पड़ेगा बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा नहीं तो हम वैसे ही रहेंगे और हमारी जो बच्चियां हैं वो वैसे ही पैदा होंगी और वैसे ही मर जाएंगी मेरे ख्याल से ये उनको जो पुराने ज़माने में दफना देते थे उससे भी बदतर अमल है जो हम अब उनको जिंदा रख के घर में असं उनके पेट्स वागर रखना है यो एक वो इल्मियो है असंके मुझे ख्याल से इन शे के लिए असंके रोज़े मेशर असंके अल्लाह साईं के मुँह दिखारणो है असंके जैसे हजूर पाक के अगे अस बींदी तो कड़े मुँह से अस बींदी कि अस पुट के पढ़ाया धी के कोने पढ़ाया
हिकड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे इंसानियत जे तौर सां, इंसानियत की बात हम करें, बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और आपने इतनी अच्छी बात, हम क्या जवाब देंगे हुजूर पाक को, मुझे तो ये समझ चीज नहीं आ रही। बताए, आपने इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत बात कही ना सर, कि पहले हम जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन अब जिंदा रख के उनको उनको कैद में रखा हुआ है। तो ये तो किसी के जहन पे पहरे लगाना, किसी के आर्ट को, किसी की सलाहियतों को कैद करना, मैं समझती हूँ वो जिस्मानी मौत से ज़्यादा बुरा है। जहन की जो मौत होती है ना, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, ये बात अच्छा, मार देना अलग चीज़ है, जिंदा रख के रोज़ मारना अलग। बिल्कुल, रोज़ पल पल मरना, और औरतें मरती हैं। एक हमारे पूरे डिस्कशन में एक बात जो कि मैं करना चाह रही थी, और मैं चाहूँगी कि बिलाल भी इस पर अपना व्यू दें और आप भी, कि जो औरतों के लिए इस वक्त एक तो तालीम मसला है, सेहत है, तौलीदी सेहत है, यू नो रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सब तो हैं, लेकिन जिंसी हिरासानी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हैरेसमेंट इतनी बड़ी चीज़ है कि आज भी वो लड़कियों को खौफ में इतना मुब्तला करती है कि वो तालीम छोड़ देते हैं। एक तो मुश्किल से औरतें निकलती है ना बाहर, घर वालों को कन्विंस करके निकले, डेयर करके, और फिर बाहर समाज में बैठे हुए लोग, और वो जब आपको हिरासा करते हैं, चाहे कहीं कोई प्रोफेसर कर रहा है, कहीं कोई आपका बस में खड़े हैं तो किसी ने आपको छेड़ दिया, ग्रोप कर दिया, हर जगह, घर से निकल, रिक्शा से बैठ रही हैं, बस में बैठ रही हैं, इदारों में जा रही हैं, जहां काम कर रही हैं साथ में कुलीग्स, अगर वो जब आपको हिरासा कर रहे हैं, उसके बाद कितनी मुश्किल है वो औरत के लिए, वो जर्नी कितनी मुश्किल हो जाती है। अक्सर लड़कियाँ डर के फिर घर में वापस चली जाती हैं, तो जो बगावत की फिर वो वापस अंदर चली गई, क्या फ़ायदा हुआ। तो इस पे जो है ना कानून, कैसे बिलाल इस हैरेसमेंट को हम कैसे खत्म कर सकते। अच्छा, हैरेसमेंट का बड़ा अच्छा एक टॉपिक जो ना छेड़ा, और इसके ऊपर बात करना जरूरी है। हम एक और चीज भी है बिलाल, हम हर चीज को शर्म में टेक कर देते हैं। मैं बताता हूँ ना कि एक मैंने बहुत अच्छा सेमिनार कंडक्ट किया था हैरेसमेंट के ऊपर, और आई थिंक वो पहला कोई इस लेवल का सेमिनार था कि लड़कियों की बड़ी तादाद उसमें मौजूद थी और वो विक्टिम्स मौजूद थे। हमने कोई वो लड़कियां नहीं रखी थी जिनके साथ कुछ नहीं, विक्टिम्स को हमने रखा और उन्होंने अपने बारे में बताई चीजें और उसका फिर हमने सोल्यूशन निकाला उसके ऊपर। बड़ा अच्छा एक हमारे पास जो है वो रिजल्ट आया था। तो इसलिए उस टॉपिक के ऊपर मैं कॉमेंट करना चाहूंगा कि मैंने कुछ चीजें जो है वो अपने पास सोचकर बनाई थी कि हैरेसमेंट को आप किस तरह काउंटर कर सकते हैं। नंबर वन थिंग, स्पीक अप, बोलना सीखें। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है ना, तो आवाज उठाएं एटलीस्ट। जब तक आवाज नहीं उठाएंगी ना, दबा के रखेंगी ना, अगला बंदा आपको और दबाएगा। जितना आप दबेंगे आपको उतना दबाया जाएगा। मुझे पता है पहला स्टेप उठाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। लोग आप इधर देखेंगे कोई नहीं मिलेगा, उधर देखेंगे कोई नहीं मिलेगा, वो साथ वहां खड़े होंगे, वो देख भी रहे होंगे, उनको पता भी होगा, वो साथ नहीं देंगे। लेकिन आपको खुद जो है ना, वो पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। ये पहले मैंने जो है सबको कहा था कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपने पहला कदम क्या उठाना है, आवाज उठानी है, कहीं पे भी आवाज देनी है। देखिए, आपके साथ कोई मसला है ना, जब तक आप चिल्लाएंगी नहीं, जब तक आप बताएंगी नहीं, कील चुभ गई ना आपको, जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा यार इसको कील भी चुभी है या इसको तकलीफ हो रही है। पहली चीज आवाज उठानी है। और दूसरी चीज मैंने जो एक पॉइंट बताया था वो तमाम लोगों के लिए था, उस विक्टिम के लिए नहीं था। मैंने कहा था अगर आपके कानों में कहीं से आवाज आ रही है ना, तो उसकी मदद करेंगे आप। क्यों करेंगे? उसका रीजन है। आज आप उसकी मदद कर रहे हैं ना, कल को आप चीख रहे होंगे ना, तो सबसे पहले वही बंदा आकर आपकी मदद करेगा, एक चेन बनेगी। तो हैरेसमेंट को इस तरह आप सबसे पहले काउंटर कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं, कवानीन हैं, बहुत ज्यादा हद तक। अब मैं, मुझे खुशी इस बात पे होती है कि बड़ी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर मैनेजमेंट होती है, वो बाकायदा इस चीज को लुक आफ्टर करती है कि किसी के साथ हैरेसमेंट हो रही है तो उसको मॉनिटर किया जाता है। और ऐसे बहुत से इदारे हैं जिनमें से बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो है लोग फायर किए गए सिर्फ किस लिए, इस हैरेसमेंट को लेकर। अभी यूनिवर्सिटीज के केसेस अगर आप देखें तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो फायर कर दिए गए, ऐसे लोग जो हैरेसमेंट के अंदर गिल्टी पाए गए थे। तो हमारे पास कानून मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आवाज उठानी है। हम क्या सोचते हैं यार, नहीं यार हो रहा है ना, छोड़ो मैं बच के निकल जाऊं यहाँ से। बच के निकलने का काम यह कि अगला बंदा दिखेगा आप कमजोर हैं। जब आप कमजोर है ना, वो और पैतरा आपके ऊपर अपनाएगा, वो आपको और दबाने की कोशिश करेगा। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे ना आप, मेरे साथ मसला है ना, मैं आवाज उठाऊंगा तो अगला बंदा सुनेगा ना, उसको वही तो नाजिल होगी नहीं। वो 1400 साल पहले चलता था वो सिस्टम, वही का अब नहीं आती वही, कि अगले बंदे को जब वो छटाई हिस बता देगी कि मेरे साथ क्या चल रहा है, इनको नहीं पता होगा। तो आपने आवाज उठानी। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, ये दो पॉइंट अगर आप रख लेना, हैरेसमेंट को हम बहुत जल्दी काउंटर कर सकते हैं। आपके कानों में आवाज आ रही है ना किसी के लिए, तो आप उसकी एटलीस्ट हेल्प नहीं कर सकते ना, तो किसी ऐसे बंदे तक पहुंच जाए जो उसकी हेल्प कर सकता है।
उसको उस तक आवाज पहुंचाते हैं, क्योंकि आज आपकी आवाज उसकी आवाज आप तक आ रही है ना, तो कल आप जब चीखेंगे ना, आप परेशानी में होंगे ना, तो आपके लिए कोई ना कोई बंदा ऐसा खड़ा होगा उस आवाज को काउंटर करने के लिए कि यार मैं जाके इसकी मदद करूँ। सही, बहुत जबरदस्त बिलाल, बहुत जबरदस्त। तो एक ombudsperson का ऑफिस भी है, मैं बताना चाहूंगी आपके व्यूवर्स को, ombudsperson का ऑफिस है जहाँ पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। कहाँ पे है ये? कराची में भी है, इंटीरियर में भी है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप देखें, मोहतसबे आला टाइप का। मेरे पास उनका वेबसाइट का एड्रेस नहीं, जस्ट टाइप द ombudsperson's ऑफिस इन कराची और इन सिंध, यू नो पूरी डिटेल्स है, वहाँ पर जाएं। और सबसे पहले जो है हरासमेंट में, मैं सहर ये समझती हूँ कि औरतों को आपस में जोड़ना चाहिए उसमें। अब तक ये होता है कि देखें, ठीक है ये तो एक बहुत ही रोशन ख्याल मर्द हैं जो साथ हैं, उमूमन मर्द साथ नहीं देते। जब भी औरत सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, मर्द जो है वो मर्द को बचा रहा होता है, ठीक है दूसरे मर्द को, या अगर वो उसको बचा नहीं भी रहा होता तो वो खामोश होता है। इस वक्त जो पूरी दुनिया में तब्दीली जो आ रही है वो ये हो रही है कि औरतें आपस में जुड़ रही हैं। तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तो एक की जगह जब दो आवाज़ होगी तो आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि औरतें अक्सर सेक्सुअल हरासमेंट में खुद को अकेला पाती। तो मेरे ख्याल से औरतों को इस वक्त जुड़ने की ज़रूरत है, और इसीलिए हमने जो अपनी एक मार्च रखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। मार्च जो है वो क्या है, 8 मार्च ते हिकड़ी मार्च जेका फेरियर हाल कराची में थियण वञी रही है, उन जे हवाले सां असां गुफ़्तगू कंदासीं। ॻाल्हाईंदासीं, ब्रेक जो टाइम थियो आहे। घरो घर तव्हांखे ॿुधायूं की असांजे अॼु प्रोग्राम खे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारनि ताबुन कयो आहे। घरो घर इहो ॿुधाईंदा हलूं त स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर 1949 खां वठी हिन जो जेको पंहिंजा पाकिस्तान जा सभिनि खां वधीक जेके मञियल जेके ड्राई क्लीनर्स आहिनि उहे आहिनि स्नो वाइट ड्राई क्लीनर्स, ऐं उन्हनि पंहिंजे 68 साल जे एक्सपीरियंस खां बाद मुतारिफ़ करायो स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर, जेको असां ख़रीद करे सघूं था ऐं पंहिंजा मुनासिब क़ीमत में ख़रीद करे सघूं था। ऐं पंहिंजा जेको कपिड़ा आहिनि उन्हनि जा जेके बि दाग आहिनि, तव्हां हिन शरारती दाॻनि जो दुश्मन आहे, स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर तव्हां ख़रीद करे सघो था। हिते टाइम शॉर्ट, कमर्शियल ब्रेक जो थियो आहे। कीप वॉचिंग सलाम सां। भली कार्ड चवंदासीं तव्हां सभिनि प्यारनि माण्हुनि खे, ऐं असांजी कचहरी हले पई वुमन एम्पावरमेंट जे हवाले सां। ऐं घरु घर तव्हांखे ॿुधायूं त असांजे अॼु जे प्रोग्राम खे स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर वारनि ताउन कयो, ऐं स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां की केतिरे टाइम पीरियड खां बाद ई जेको वॉशिंग पाउडर आहे, 68 सालनि जे एक्सपीरियंस खां बाद जेके ड्राई क्लीनर्स आहिनि, स्नो वाइट ड्राई क्लीनर्स हिननि मुतारफ़ करायो आहे। ऐं घरु घर तव्हांखे इहो ॿुधायूं त असांजी जेका कचहरी उहा हले पई आहे स्नो वाइट जो, इन करे मां तव्हांखे चयमि, नेम सेज़ इट ऑल, हिन ते लिखियलु आहे। ऐं स्नो वाइट स्नो जे हुनसां असांखे ख़बर पए थी की स्नो मतिलबु वाइट, त असांखे ख़बर पए थी की हिकिड़ो सुठो वॉशिंग पाउडर आहे, मुनासिब क़ीमत में असां ख़रीद करे पंहिंजा जेके कपिड़ा आहिनि उन जा जेके दाग़ आहिनि कपिड़नि जा उहे मिटाए सघूं था। शरारती दाग़नि जो दुश्मन स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर तव्हां ख़रीद करे सघो था। ॿार हुम अक्सर घरनि में कपिड़ा जेके आहिनि उहे गंदा करे छॾंदा आहिनि, ख़राबु करे छॾंदा आहिनि, या कुकिंग कंदे बि ख़राबु थी पवंदा आहिनि, या ॿिया बि इलाही शयूं आहिनि जिन सां जेका अॼुकल्ह त पॉल्यूशन एतिरी आहे त तव्हां वाइट कपिड़ा पाए वञो त वापसि अचो था घर त उन ते तव्हां फील कंदा की वाइट न आहे, ऑफ वाइट थी वियो आहे, त उहो पॉल्यूशन एतिरी घणी आहे। त या पॉल्यूशन बि ख़तमु करे छॾींदो, जेके बि दाग़ तव्हांजे कपिड़नि ते आहिनि उहे साफ़ थी वेंदा, उहे लही वेंदा। ऐं हिते तव्हांखे ॿुधायूं त असांजी जेका कचहरी आहे उहा कचहरी वुमन एम्पावरमेंट जे हवाले सां हले पई। ऐं बिलाल, पॉल्यूशन की बात करी थी, बाइक पे या गाड़ी में जब हम बाहर जाते हैं या वैसे भी बाहर जाते हैं, वाइट कपड़े पहने में होते हैं तो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये घर पहुंचोगे तो आई विश की वाइट ही हो। असल में आप देखें, हमारा जो स्टेट है वो इस वक्त डेवलपिंग स्टेट है ना, हर तरफ तरक्याती काम हो रहे हैं, हर तरफ जो है वो मट्टी और धूल मट्टी पॉल्यूशन है। तो होता यह है कि जब सुबह घर से निकलते हैं तो नहा धो के निकलते हैं, और जब घर में पहुंचते हैं तो मट्टी का पुतले के अंदर एक छोटा सा इंसान मिलता है। हाँ, वो पलकों में भी मिट्टी होती है, पलकों में भी, और वो भवों में भी, बालों में भी, कान में, नाक में, हर जगह जो है ना मट्टी घुसी भी होती है। सही, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे वुमन एम्पावरमेंट के हवाले से, 8 मार्च की हम बात कर रहे थे, 8 मार्च को जो मार्च है वो क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं पेशगी सबको मुबारकबाद दूंगी कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। तो आपकी तमाम जो देखने वाली जो आपकी जो फीमेल जो ऑडियंस है उसको मेरी तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इस दिन पूरी दुनिया में रैलीज़ निकलती हैं, पूरी दुनिया में लोग और ख़वातीन सड़कों पर निकलती हैं, अपने होने का एहसास दिलाती हैं, बताती हैं कि भाई हम मौजूद हैं, हमारे ये हकूक़ हैं, हमारे ये मसाइल हैं, और इसके लिए रेजोल्यूशंस बनाती हैं और फिर पूरा साल उसके लिए काम करती हैं। पाकिस्तान में
काफ़ी अरसे से जो है औरतें निकलती हैं, प्रोग्राम करती हैं, लेकिन पॉकेट्स में करती हैं, ठीक है। कोई हेल्थ वर्कर्स निकल गई, कुछ एनजीओ की ख़वातीन निकल गई, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक रैली हम निकाल रहे हैं जो कोई एनजीओ फंडेड नहीं है, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऑर्गेनिक मूवमेंट के जरिए शुरू हुई है और मासिस में से निकली है। सही। चंद ख्वातीन ने हमने फैसला किया कि अब वक्त आ गया, दुनिया में मिलियन मार्चेस हो रही हैं, तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं निकल सकते, हमें आगही नहीं है अपने हुकूक की। तो इसलिए हम सब ने कहा कि सारे, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है कि तबकात में बटा हुआ है, तो औरतों की तहरीक में भी तबकात आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। गांव की औरत को नहीं पता शहर की औरत के मसाइल, शहर की औरत को नहीं पता कि थर में बैठी हुई एक दलित औरत के साथ क्या हो रहा है। तो इस दफ़ा हमने सारे लोग इकट्ठा हुए, हमने मोबिलाइज किया और ये हमारी 8 तारीख को औरत मार्च है। इसका नाम औरत मार्च है और इसका टाइटल है मैं चलूँगी सर उठा के, आओ हमारे साथ चलो। और इसमें आपको एक लॉयर भी मिलेगी, एक टीचर भी मिलेगी, एक मेरी तरह जर्नलिस्ट मिलेगी, एक आर्टिस्ट, एंकर्स हमारे साथ जो हैं बॉन्डेड लेबर में, वीरू कोहली हैं वो आ रही हैं, थर से राधा भील आ रही हैं, हैदराबाद से स्टूडेंट्स आ रही हैं। तमाम औरतें जिनको लगता है कि हमें अब वो वक्त आ गया है कि हमें मिल के अपने हकूक़ के लिए, अपने तहफ़ुज़ के लिए आवाज़ उठानी है, तो सब वो आए 8 तारीख को फरेर हॉल पर 4 बजे हमारा प्रोग्राम होगा, जिसमें ड्रामा होगा, जिसमें मौसीकी होगी और उसके बाद हम लोग जो है एक टोकन मार्च करेंगे। अच्छा, इस रैली की इम्पोर्टेंस सहर और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इसमें हमने फंड किसी से नहीं लिया, किसी एनजीओ से नहीं लिया, हमने इसमें सारा डोनेशंस लिया, किसी ने 5,000 निकाले, किसी ने 2,000 निकाले, इस तरह से हमने फंड्स कलेक्ट किए जिससे हम स्टेज बनाएंगे, जिससे हमने ये सारा मटेरियल प्रिंट आउट किया है। और इस दफ़ा हमने इंक्लूड किन किन लोगों को किया है, हमारे साथ विजुअली इम्पेयर्ड और जो डिफरेंटली एबल्ड औरतें हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, जिनको हम यूजुअली अपने इवेंट्स में शामिल ही नहीं करते, ये सारे लोग जुड़ेंगे। आई एम सो प्राउड टू से कि तारीख में पहली दफ़ा अक्रॉस द बोर्ड सारी औरतें मिल के सड़क पर निकलेंगी और पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजेंगी कि पाकिस्तानी औरत को अपने हुकूक की आगाही है और पाकिस्तानी औरतें अपने अपनी इक्वालिटी के लिए बात करेंगी इसमें। लेकिन सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी आ सकते हैं। बिलाल, आप आए, बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अपनी बातों के अंदर एक अच्छा पैगाम दिया, लेकिन एक चीज छोटी सी मिस हो गई, वो ये थी कि औरतों को मिलकर चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, औरतों को मर्दों के साथ मिलकर चलना चाहिए, उसके लिए मर्दों को भी वहां पर होना चाहिए। नहीं, वो आए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर आप औरत की बराबरी पे यकीन रखते हैं, आप औरत की आजादी पे यकीन रखते हैं, आने का मकसद ही यही होगा, अपने साथ 2 औरतें भी लाएं, अगर आप 2 औरतें लाएंगे तो ही आप इस रैली में आ सकते हो। अभी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 2 औरतें कौन सी, अम्मी है, बहन है, भांजी है, भतीजी है, खाला है, दोस्त है, अगर 2 औरतें लाएं अपने, बिल्कुल फिर ठीक है। आप अब समझ में आ गई है मुझे पूरी पूरी बात, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि 2 औरतें जो है वो साथ लेकर आऊँ। और बाकी बहुत अच्छी चीज़ थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये जो आप सबसे प्यारी बात इन्होंने बताई कि, और उसका उनवान भी उर्दू में रखा गया है इतना, ताकि एक आम औरत को, एक गांव देहात की औरत को ये ज़्यादा अपील करेगी ये चीज़, एज़ कम्पेयर कि उसका बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम रख दिया जाता वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो फिर हमारे तबके तक ही रहता, जो जिसको ज्यादा जरूरत है उस तक बात नहीं जाती। सही बात, बिल्कुल, जिसको कम जरूरत है वो तो खूब शोर शराबा मचाते और वो घर पे बैठ जाते, जिसका असल काम था, जिस तक पहुंचनी चाहिए थी वो चीज, उससे महरूम हो जाती वो औरत। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इंशाल्लाह इसका पार्ट मैं भी बनूंगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे अराउंड सराउंडिंग्स में लोग हैं वो भी इस चीज का पार्ट बने, और सोच तब्दील होगी इन्हीं चीजों से होगी। बिल्कुल, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम समझते हैं ना कि इसका कोई आउटकम नहीं आएगा, बिल्कुल आता है, आपको नहीं पता कौन कहाँ पे बैठ के क्या चीज देख रहा है और किसके दिमाग पे क्या एक छोटी सी बात क्लिक कर जाती है, तो वो आपको पता नहीं होता उसका आउटकम कहाँ किस वक्त कौन देख रहा है और किस चीज के ऊपर जो है वो उसको ये बात उसकी थिंकिंग चेंज कर सकती है। क्या पता एक ऐसा जो है वो ताकतवर शख्स इस वक्त देख रहा हो जिसकी थिंकिंग पे जाके ये बात हिट कर रही हो कि यार आज तक मैं अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों के अंदर ये चीज़ रखता था, एक हुक्मराना मेरी कैफियत होती थी और मैं औरत को अपने घर की और बाहर की औरतों को तो छोड़ दें, अपनी घर की औरतों
को दबाया करता था, वो आज ये बात सोच के हिट कर रहा हो कि यार वो देख रहा हो कि नहीं यार कहीं ना कहीं मैंने जो है वो ज्यादती की है, कहीं ना कहीं मैंने जो है वो एक नेगेटिव जो है वो एक्ट किया उसके साथ, तो अब बेशक वो उसकी एक उसका घमंड नहीं टूटेगा लेकिन उसकी उस घमंड के अंदर कमी आती जाएगी। कोई चीज एकदम से खत्म नहीं होती, वो आइडियलिस्टिक स्टेट होती है। देखो बिलाल एक भड़ाड़ भी अंदर पड़ जाती है ना, लेकिन वो चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। आज वो देख के सोच रहा होगा कि यार ये खत्म करना चाहिए। हाँ। बेशक वो अपनी औरत से जाके माफी नहीं मांगेगा, बेशक वो जाके वो चीज कम नहीं, लेकिन उसके रवैये में ना थोड़ी तब्दीली आना शुरू होगी। अगर वो गुस्सा करता होगा तो अब प्यार से बात करेगा, अगर वो जो है वो जबरदस्ती करता होगा तो उसको थोड़ा सा एक जो है ना फ्री हैंड देगा। आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि किसके ऊपर क्या तब्दीली है। तो ये बहुत अच्छी काविश थी, इस टॉपिक पे बात की गई पूरे 2 घंटे जो इसके ऊपर हमने जो हर पहलू से बात की है। आपको आपके लिए एक शेर है अल्लामा इकबाल का, इकबाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और इकबाल से ही मैंने इंस्पिरेशन हासिल की है। इकबाल ने कहा था कि वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साज से है कायनात का सूज़े दरूं, तो इसी के साज से है ज़िंदगी का सूज़े दरूं। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे दिल में जाके वो हिट की थी कि यार अगर जन इस कायनात में मौजूद है ना तो रंग बिखेरती है वो, और अगर जन नहीं है ना तो बेरंग कायनात हो जाएगी। और बेरंग कायनात कैसी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट जो स्क्रीन में पहले फिल्में चलती थी ना जिसका कोई जो वो मजा नहीं आता था, अब आप कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज देखे अब लेकिन यार क्या बोरिंग जिंदगी है, कलरफुल जिंदगी औरत से ही है और औरत है तो कायनात के अंदर ये जो है ना वो रंग बिखेरे जा सकते हैं। तो उसको आपने अहम किरदार के तौर पर रखना है, उसको आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रखना है, उसको आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर रखना है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल सही कहा बिलाल आपने, और यहाँ पे हमें ज़रूरत है, वी नीड टू ब्रेक द साइलेंस बेसिकली, जे कब साइलेंस है हैरेसमेंट के हवाले से आए या असाजे बेसिक राइट्स के हवाले से आए, वो असंके हाँ ब्रेक करण घुर्ज, थोड़ो अगैं वन घुर्ज, पाँजे राइट्स हैं उन हवाले से असंके गलन घुर्ज, असं जिस तीन गलसी को स्पीकअप न कंदी असा शे डिस्कस न कंदी असं अगैं नी सी असा एजुकेशन है वह भी पहले शे थी वी असे नंढी नंढी बया जी राइट्स जी अस बिया डिस्कस करण ते अचा तो मां कलाक जो बो भी शो निकरी सके तो गलाय सकां थी उन्हें छो तो असा जी राइट्स हैं उ बेसिकली असि सोसाइटी डेवलप कन था, असि सोसाइटी जी वह एक हेल्दी सोसाइटी असि तद ही सी जैसे अस राइट्स जो उन्होंने अस गाली असा राइट्स जो उन्होंने अस कम कंदी तो राइट्स कड़ा असा उन्हें असा गाली कि एजुकेशन है इकोनॉमिकल राइट्स बिया भी इलाही केतरा असा हेल्थ के हवा से तो उन्हें इनशाला 8 तारीख से 8 मार्च से अस रैली में अस गुंदी फेरियर हॉल में 4 बजे उनमें तुम सभी के गुड थेणो है इनशाला औरतों के हवा से जो मर्द हजरात असन था जो फेमिनिस्ट हैं जो समझन था कि उनकी गाल करण उन अचण से एक इम्पैक्ट क्रिएट थी सके तो एक सुठी शे होंगी असें सभी के गजी कर हलणो है अस फेमिनिस्ट थे का बुराई ना है अस इकबाल की गाल कई बिलाल तो मुझे याद अचे तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो बो कुछ शायर ना है एतरा साल अग में भिटाई जो सुरमय गायों हैं शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की जो सुरमें आए मतलब हीरोज वो 7 वुमन है वो कोई मर्द हजरात नहीं है तो असें खबर पे थी शाह भिटाई बहन तो उन्होंने सुरमय जो हीरोज हैं अस सब सुरमय आयो अस तुम सब जी अस न्याणी जी भेणू अस छोकरी दिसन पो तुम सब सुरमय आयो असें अज वो प्रूफ करणो है इनशाला जी असि गुफ्तगु है एंड पुगी है इनशाला अस गंदी अस राइट्स के हवा से जरूर गाली बहुत बहुत मशहूर हूँ आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए आज टाइम निकाल के गिफ्ट्स आपको स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर के भी देती हूँ स्नो वाइट वॉशिंग पाउडर की तरफ से आपके लिए हुस्ना और बिलाल ये आपके लिए थैंक यू सो मच घर जाके आप दोनों ने कपड़े धोने इसका सीधा मतलब ये है बिल्कुल धोने मुझे भी धोने सभी धोते हैं अब जाहिर है छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो पूरी करनी है काम बातें सब चीजें अपनी जगह लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है अच्छा बिलाल का महीना निकल जाएगा कि ये मेरे तो एक साल निकल जाएगा नहीं सही बात है बहुत बहुत मशहूर बिलाल आप आए मुझे यकीन है कि कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर हमारे स्पेशली उन पे क्रिएट हुआ होगा उसना आपके भी बहुत मशहूर हूँ आप आई और जरूर जो बात है वो आगे तक गई होगी नाजरीन तो इख्ताम तो टाइम पौतो है एंड तुम सभी के दुआओं दींदस दुआओं में हमेशा याद कनी है तुम सभी के तुम कंदा ढी खुशी थी असंके कि अस का भी कैंपेन हलूँ का भी गाल करूँ को भी जिक्र करूँ उन्हें अस गुड हूँ गजी कर नंढी नंढी शूं हैं जिन्हें में असान साथ दींदा तो एक असंके बॉन्ड फील भी है यूनाइटेड अस सब कुछ यूनाइट थी कर सूँ था जैसे अस गुड हूँ असम में इतिहाद हों तो सब कुछ कर सूँ था अगर अस अलग हूँ अकेले हूँ इंडिविजुअल
यूजुअल हूं तो कुछ भी ना कर सकूँ तो इनशाला 8 मार्च से गर्थी नासी फेरे हाल में 4 बजे इतने टाइम इख्ताम से पुतो सुबह इनशाला वरी मिलना नवा गेस्ट हों नो टॉपिक हों नयू गाल हों इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 तारीख से सेलिब्रेट कर परी इतने तुम सभी के नंढी दुआ दींदा कि खुश आवाद सलामत हो अल्लाह हाफिज पखी अखेर माउडे तो हरी नारी रखी।